नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो कि राकेश यादव की बुक है, 7300 प्लस MCQ वाली बुक है। इसकी एक सीरीज लॉन्च हम बेसिकली आपके लिए आज से कर रहे हैं, जिसमें हम आपके एनालॉजी एंड सिमिलरिटी क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपसे बेसिकली चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। ठीक है, और साथ ही में बेसिकली 3 घंटे की अपनी महामैराथन क्लास रहेगी, तो आप जरूर देखिएगा, है ना। और बिल्कुल खाना वाना खा के आराम से देखो, ठीक है। 3 घंटे की अपनी महामैराथन क्लास चलेगी। और इसके अलावा साथियों, रीजनिंग के सारे प्रश्न आपको यहीं से बेसिकली पूछे जा रहे हैं। आप SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा साबित यूजफुल रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपसे 161 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हाल के हाल। अगर आप हाल के हाल नहीं दे पा रहे तो आप एक पेन और पेपर ले लीजिएगा। और फॉर एग्जांपल, आपका पहला क्वेश्चन आपका आंसर ए आया, मैंने आपका इसका राइट आंसर बी बताया, तो आपको कट्टस करना है। सेकेंड का आंसर मैंने आपको बी बताया और आपका भी बी आया, तो आपको इसको टिक करना है। ऐसे करके आपको 161 क्वेश्चन तक करना है। और कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा भाई, है ना, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और साथियों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपको बिल्कुल पेड का कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, तो वही फ्री कंटेंट की आप वैल्यू रखो, और ये कंटेंट आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको इसमें डिस्कस कर लिए हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको 1% वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो वीडियो को, और कमेंट करके यार जरूर बताना कैसी लगी। अच्छा लगी तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगी तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। क्योंकि यार दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक क्वेश्चन को मतलब फोटो खींचना पड़ता है, मतलब इमेज कैप्चर करना पड़ता है, फिर उसके बाद स्कैन करके PDF बनते, तो काफ़ी टाइम लगता है, आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों, कंटिन्यूसली 6 से 7 8 घंटे बोलना पड़ता, तो जब जाके आप लोगों के लिए वीडियो बन पाती है। तो यार वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताना, है ना, लाइक करें कमेंट करके जरूर बताओ कैसी लग रही है। अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगी तो बेकार कमेंट करें, है ना, सो दैट मैं अगली वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को हम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों की वीडियो बना पाता हूं। ठीक है, और दोस्तों, इसके अलावा मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोगों की इस बार सरकारी नौकरी पक्की लगेगी। और अगर आप लोगों को भी मुझ पर भरोसा है तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे या SSC या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मार्केट से या फिर PDF ऑनलाइन ख़रीदनी पड़ती है, तो दोस्तों, आपकी इस समस्या का बहुत ही तगड़ा सलूशन हम लोग आप लोगों के लेकर आए हैं। साथियों, गुरुकुल प्लस परिवार आपके लिए लाया है 50,000 रुपये से भी अधिक मूल्य की हजारों PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना, सब कुछ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, हजारों PDF दिखाना तो आपको पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन हम आपको कुछ PDF सैंपल के रूप में दोस्तों दिखा रहे हैं, ताकि आप सारी PDF ईजिली बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकें। साथियों, जिन मेरे प्यारे दोस्तों का RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो उन मेरे प्यारे दोस्तों को बताना चाहता हूं, देखिए, आपने अभी तक रीजनिंग की और मैथ की एक बुक नहीं की, तो ये जरूर करके जाइएगा, इससे सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। NTPC में दोस्तों आपके यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, इसकी फ्री PDF मैंने डाल रखी है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, कुछ जो ट्रेंडिंग बुक है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हैं। और साथियों, जो RRB 2020 जो आपकी 7225 MCQ वाली बुक है GS की, ये भी आप जरूर करके जाइए, इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, RRB ग्रुप डी में आपका साइंस से इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। और RRB 2020 का ये वाला बुक है अपना 3100 MCQ वाली बुक की, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथियों, RS अग्रवाल हुआ आपका SSC करण पब्लिकेशन 10,500 प्लस वाली बुक हुई, और आपकी SSC GS 12,000 प्लस वाली बुक जैसे, और SSC की जो आपकी किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक की मैं PDF डाल रखी है टेलीग्राम पर, और अपना RS अग्रवाल भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और इसके अलावा साथियों, जो वॉल्यूम 1 है, जो कि अगर आप SSC CHSL और CGL का पेपर देने जा रहे हो मई में, तो आपके लिए वरदान साबित है इंग्लिश के लिए। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, और साथियों, सादा पब्लिकेशन की बुक भी आपको मिल जाएगी, अगर आप UP पुलिस वगैरह की UPSI की तैयारी कर रहे हैं, और भी आप लेखपाल वगैरह के भी
आगामी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए एसटी यादव की बुक बेस्ट बुक मानी जाती है, ठीक है भाई। और इन सारी पीडीएफ दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री में हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। इसको आप जल्दी से जल्दी फटाफट डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। देर किस बात की है, आज ही आप अपने परिवार गुरुकुल प्लस के टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं सूरत, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, ठीक है भाई। दोस्तों ये हमारा टाइप वन है जिसमें हम आपसे बर्ड बेस्ड एनालॉजी की बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द पर आधारित सादृश्यता। बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपसे पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है भाई। और चलो भाई देखते हैं आखिर एक से लेके 161 तक हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। देखो भाई ये बच्चे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो आपको मिलेगी। इसमें मैंने आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो बहुत उपयोगी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए भाई निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, इनमें से संबंधित जो शब्द हैं उनको चुनिए, मतलब समझिए बात को अच्छे से। जैसे फॉक्स है आपका, फॉक्स यानी कि बच्चे हम हिंदी में बोलते हैं लोमड़ी, फॉक्स रिलेट कर रहा है चालाक से यानी कनिंग, ठीक है। उसी प्रकार रैबिट आपका आखिर किससे बिलोंग करेगा, ठीक है भाई, तो रैबिट किससे बिलोंग करेगा, जैसे फॉक्स चालाक से, जैसे फॉक्स की कैटेगरी होती है फॉक्स चालाक होती है, उसी पर खरगोश का गुण क्या होता है, ठीक है बच्चे। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे दीजिए बच्चे, आप कमेंट बॉक्स में अपना इसका आंसर दीजिए क्या आपका आंसर। जैसा कि आप मेरी क्लास का रूल जानते हैं बच्चे, क्योंकि मेरी क्लास का रूल है पेन और पेपर लेके बैठिए और क्वेश्चन फिर से खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है भाई। और देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन आपका CGL 2010 में आ गया, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, CGL हुआ, CHSL हुआ, CPO हुआ, MTS हुआ, जितने SSC के एग्जाम होते हैं इनमें जितने पुराने पेपर आए हैं वो मैं आपको सारे रीजनिंग की करा रहा हूँ, मतलब ठीक है चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। चलो भाई जैसे लोमड़ी का गुण होता है भाई चालाक, जैसे लोमड़ी होती है चालाक मतलब क्लेवर होती है, उसी प्रकार खरगोश का क्या गुण होता है, तो भाई खरगोश आपका होता है डरपोक, खरगोश आपका डरपोक होता है, जैसे आप जब जाते हैं तो खरगोश डर जाता है, तो डरपोक खरगोश का गुण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे। आई होप कि आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन है देखिए भाई, लचीला फ्लेक्सीबल रिलेट कर रहा है कठोर से, जैसे लचीला रिलेट कर रहा है आपका कठोर से, उसी पे का आत्मविश्वास आखिर किससे रिलेट करेगा, यानी कॉन्फिडेंस आखिर किससे रिलेट करेगा बच्चे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 3 सेकंड टाइम है, तो इसका मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, ठीक है बच्चे। आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। देखिए भाई देखो भाई जैसे आपका लचीला है, लचीला कठोर रिलेट कर रहा है, ठीक है, लचीला रिलेटेड टू कठोर, ठीक है, जैसे लचीला कठोर है, उसी पर आत्मविश्वास आके किससे रिलेट करेगा, यानी कॉन्फिडेंस आके किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। तो भाई देखिए तो भाई ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा संकोच, आत्मविश्वास रिलेट करेगा संकोच, जैसे लचीला यानी कठोर रिलेट कर रहा है, उसी प्रकार जो आपका आत्मविश्वास, जैसे बच्चे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो फ्लेक्सिबल है यानी कि जो लचीला है, या आपका एंटोनियम अपोजिट वर्ड है कठोर का, उसी प्रकार आत्मविश्वास कठोर वर्ड होगा, आत्मविश्वास का अपोजिट वर्ड होगा आपका क्या, संकोच, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर की हुए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सौरव रिलेट टू क्राई, उसी प्रकार मिर्थ आपका आखिर किससे रिलेट करेगा, यानी कि दुख रिलेट कर रहा है रोना से, ठीक है, उसी प्रकार खुशी आपका आखिर किससे रिलेट करेगा बच्चे। बहुत सरल सवाल है, सरल क्वेश्चन SSC SAS 2010 में पूछा गया है, ठीक है भाई। चलो भाई आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया। देखो भाई दुख रिलेट कर रहा आपका रोना से, उसी प्रकार दुखी आपका खुशी आपका किससे रिलेट करेगा। देखिए भाई जैसे आपका जब दुख होते तो आप रोते हैं, उसी प्रकार जब खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं भाई, तो खुश होते तो आप हंसते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब आप खुश होते हैं तो बच्चे हंसते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लव यानी कि प्रेम रिलेट कर रहा है आपका घृणा से, यानी कि लव रिलेट कर रहा है हेट से, उसी प्रकार गर्व आपका आखिर किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई, गर्व आखिर आपका किससे रिलेट करेगा। आपको इसके लिए बच्चे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए बच्चे। SSC SAS 2010 में पूछा गया है,
ठीक है। आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। चलो भाई देखो, जैसे प्रेम है, जब प्रेम होती है तो घृणा, प्रेम का अपोजिट होता है घृणा, ठीक है, प्रेम का अपोजिट होता है आपका घृणा होता है, ठीक है। लव का एंटोनियम होता है आपका हेट। उसी प्रकार गर्व का, गर्व का एंटोनियम क्या होगा भाई, गर्व का अपोजिट क्या होगा, दुखवाला होगा, या फिर दयनीय होगा, या फिर विनम्र होगा, या फिर अहंकारी होगा। तो भाई इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विनम्र। देखो भाई, जब गर्व होता है तो विनम्र आपका अपोजिट होता है, प्राउड का एंटोनियम होता है भाई अपोजिट विनम्र आपका होता है, ठीक है भाई। क्या आपको कोई तकलीफ है, आपको सब समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। प्राउड का हम एंटोनियम होता है हम्बल, यानी कि विनम्र आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है वो देखिए आप। देखो लाइट इज रिलेटेड टू डार्कनेस, उसी प्रकार नॉलेज आपको किससे रिलेट करेगा, जैसे प्रकाश रिलेट कर रहा है अंधकार से, ठीक है, उसी प्रकार ज्ञान किससे रिलेट कर, बच्चे एंटोनियम है, जैसे प्रकाश होता है तो अंधकार हो, अंधकार जी अपोजिट है, ठीक है, उसी प्रकार ज्ञान आपका आखिर किससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो बच्चे इसमें एंटोनियम वाला केस आपको उपयोग करना है। तो देखो भाई इसका, देखो अब आपका नॉलेज, नॉलेज का क्या होगा, जैसे लाइट, जो आपका लाइट है, जो बच्चे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो समझिए बात आप अच्छे से, इसमें तो वह दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो प्रकाश आपका रिलेट कर अंधकार से, मतलब प्रकाश होता है तो अंधकार को प्रकाश हटा देता है, ठीक है, जो जब आपका अंधकार होता है तो उसके लिए आप प्रकाश का उपयोग करते हैं, यानी कि लाइट आपका अंधकार को मिटा देता है। उसी प्रकार ज्ञान, जो ज्ञानी ज्ञान होता है, ज्ञान आपका अज्ञानता को मिटा देता है, ठीक है, ज्ञान अज्ञानता को मिटा देता है, यानी कि इग्नोरेंस आपका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, CISF ESI में 2010 में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। बच्चे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन जरूर दबा दें, सो रेट कि आपको मैं रोज वीडियो डाल रहा हूँ रीजनिंग मैथ की, सबकी मैं कंप्लीट आपको कोर्स करा रहा हूँ, तो बच्चे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। आपको बच्चे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपको इसकी फ्री PDF मिल जाए, और तो आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। और साथ साथ बच्चे जो आप 500-1000 रुपये की बुक मार्केट से खरीदते हैं ना, वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको 1 रुपये पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ बहुत कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको जो पेड का कंटेंट सारा फ्री में मिल जाएगा। तो बच्चे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। देखो भाई 6वां क्वेश्चन है, कैंची आपका रिलेट कर रहा है कपड़ा से, उसी प्रकार आपका ये इनमें से क्या किससे रिलेट करे, जैसे कैंची है रिलेट कर रहा है आपका कपड़ा से, जब जो कैंची होता है भाई, जो कैंची का उपयोग क्या किस लिए करते हैं, कैंची का उपयोग आप कपड़ा काटने के लिए उपयोग करते हैं ना, कैंची का प्रयोग आप कपड़ा काटने के लिए करते हैं, उसी प्रकार भाई, उसी प्रकार क्या है, कलम का प्रयोग स्याही के लिए करते हैं, नहीं होगा भाई, बात गलत है। और उसी प्रकार रेजर, रेजर का उपयोग आप शेव करने के लिए करते हैं ना भाई, काटने वाली बात कर रही, कट वाली बात चल रही, तो आप भाई रेजर का उपयोग शेव काटने के लिए, शेविंग के लिए आप रेजर का उपयोग करते हैं, यानी कि उस तरह का उपयोग आप दाढ़ी बनाने के लिए करते। तो भाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चे CISF ESI 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटोस्कोप रिलेट कर रहा है आपका हार्ट बीट से, जैसे स्टेटोस्कोप का काम होता है हार्ट बीट नापना, उसी प्रकार टेम्परेचर का काम क्या होता है, ठीक है भाई। ए जैसे स्टेटोस्कोप का उपयोग होता है भाई धड़कन को नापना, उसी प्रकार तापमान का प्रयोग आपका किस लिए होता है, तापमान को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं आप, तापमान को किससे मापते हैं, कौन से मीटर से, मीजरमेंट से आप तापमान को नापते हैं, तो भाई क्या आप ऊष्मा से मापते हैं, या फिर क्या पारा से मापते हैं, क्या या पैमाना से, या फिर आप थर्मल ताप मापी से मापते हैं। बच्चे इसको GSSC CPU 2010 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई थर्मोमीटर आप कौन से इंस्ट्रूमेंट से थर्मोमीटर मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर आपका बच्चे हो जाएगा, देखिए थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, बसंत रिलेट कर रहा है आपका ऋतु, बसंत ऋतु आपका रिलेट कर रहा है भाई गर्मी से,
बसंत ऋतु रिलेट कर रहा आपका गर्मी से, यानी कि स्प्रिंग रिलेट कर रहा है आपका समर से। उसी प्रकार बसंत ऋतु जब होती तब आपका उसके बाद आती है गर्मी, ठीक है। जब भाई स्प्रिंग सीजन आता है बसंत ऋतु यानी कि फरवरी में आती है, आप जैसा कि जानते बच्चे फरवरी में आपकी बसंत ऋतु आती है, ठीक है, और उसी के बाद आती है आपकी गर्मी, यानी कि मार्च के समय आपकी मार्च अप्रैल में गर्मी चालू हो जाती है, ठीक है, मार्च में गर्मी आती है। तो उसी प्रकार बच्चे देखो यहाँ पर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है बच्चे, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में केस चल रहा है। उसी प्रकार संडे के बाद मंडे आता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, या फिर ट्यूसडे का वेडनेसडे आएगा, तो भाई ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। पहले से आपको स्टार्टिंग से बच्चे चेक करना है, ठीक है, संडे का जैसे मंडे आता है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, संडे का मंडे, उसी पर थर्सडे का फ्राइडे, थर्सडे के बाद आता फ्राइडे, तो यहाँ वेडनेसडे, ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। उसी पर बच्चे ऑप्शन नंबर सी पे चलो आप, तो ट्यूसडे के बाद आता है आपका वेडनेसडे, तो यहाँ फ्राइडे आ रहा है, ये भी गलत है। ऐसे भी आप चेक करते हैं, कर सकते हैं, फ्राइडे को आ रहा है आपका सैटरडे, यहाँ पर मंडे आ रहा है, तो आपका ये भी गलत है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, ये आपका सीपीयू 2010 में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, फसल रिलेट कर रहा है खेत को, उसी पे का एस का आखिर आपका किससे रिलेट करेगा। बच्चे मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जिसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइए, ठीक है बच्चे। मैं इतने क्वेश्चन मुझे 161 कराने में आपको हर वीडियो हर बार नहीं बोलूँगा कि भैया आप इसका आंसर देते जाओ। देखो आपको आंसर इसके देने हैं और क्या करना है, आपको वीडियो जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन बोला, आपको पहले खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन देखिए, फिर समझिए मैंने कैसे क्या बताया है आपको, ठीक है। इससे बच्चे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपको कोई भी प्रीवियस, देखिए मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप इतनी प्रैक्टिस करके जाइए, आपके लिए मोर देन सफिशियंट ये क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको प्रैक्टिस ऐसे होगी, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बोला, आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन आपको एक कॉपी खोल लो, एक कॉपी बना लो, रीजनिंग का अलग से रजिस्टर बना लो, पतला सा मोटा सा बना लेना, जिसमें मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग क्योंकि करा रहा हूँ, ठीक है, 30-40 वाला रजिस्टर लाना, वो आप बना लेना और देखिए, और उसमें आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें, पहले आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें और लास्ट में अपना स्कोर चेक करें, स्कोर आपके आखिर आपका कैसा क्या आ रहा है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करना है, खुद से आपको इसका आंसर लाना है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ, उसके बाद आप कट टेस्ट लगा सकते हैं, आपका सही हुआ तो सही लगा सकते हैं, आप टिक कर सकते हैं। तो बच्चे बेहतरीन तरीका होता है ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, टॉपर की यही स्ट्रेटजी होती है, इसलिए वो टॉपर हो जाते हैं। तो आपको कुछ स्ट्रेटजी से आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चे सिलेक्शन होगा एग्जाम में। देखो भाई, जैसे फसल आपका रिलेट कर रहा है खेत से, फसल आपकी होती है खेत में, उसी पे का एस का आखिर आपका कहाँ पर होता है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आई होप कि आपको आ गया होगा। तो भाई एस का आपका कहाँ होता है, एस आपका कहाँ होता है भाई, बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी है, जैसे आपकी खेत में होती है फसल, उसी पे का एस का आपके किससे रिलेट करता है, यानी कि एस कहाँ पर होता है, लोहे लोहा में होता है, ज्वालामुखी में होता है, या फिर खदान में या फैक्ट्री में, तो भाई खदान में आपका अयस्क उगता है, खदान में आपका अयस्क पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये बच्चे स्टेनोग्राफर सी ओ डी में 2010 में आया है आपका, ये वाला आई थिंक मैंने रिपीट आपको करा दिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, डॉग कुत्ता रिलेट कर रहा है रेबीज से, जैसे उसी पर मॉस्किटो आपका किससे रिलेट करेगा। देखिए भाई, जब कुत्ता काटता है तो क्या होता है, रेबीज होता है, मतलब ठीक है, जब कुत्ता आपका काटता है तो कुत्ता रिलेट कर रहा है रेबीज से, यानी कि जब कुत्ता काटता है तो आपको रेबीज बीमारी होती है। उसी प्रकार जब मच्छर काटता है तो भाई आपको कौन सी बीमारी होती है, आपको आ गया होगा, ये होगी बच्चे, इसमें कोई बहुत ईजी ऑप्शन में सी आपका आंसर हो जाए, 10वें का सी हो जाएगा, यानी कि मलेरिया आपका होता है, जब मच्छर काटने से आपका होता है मलेरिया, तो ऑप्शन में सी आपका आंसर हो जाएगा, ये CHSLDU LDC 2010 में आपका आया हुआ है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, देखो क्लॉक रिलेट कर रहा है आपका टाइम से, उसी पर थर्मोमीटर आपका किससे रिलेट करेगा। जैसे क्लॉक घड़ी का काम होता है टाइम बताना, उसी पर थर्मोमीटर काम क्या होता है, तापमापी का काम क्या होता है, तापमान बताना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका बच्चे SSC CHSL DU LDC 2010 में आया हुआ है।
अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो डॉक्टर का, डॉक्टर रिलेट कर रहा है मरीज से, उसी पे का वकील। देखिए डॉक्टर का काम क्या होता है, मरीज को देखना, उसी पे वकील का काम क्या होता है भाई, वर्किंग वकील का के वर्क क्या होता है, तो वकील का वर्क भाई क्या होता है, क्लाइंट यानी कि क्लाइंट, वकील का काम होता है क्लाइंट वाला, ग्राहक तो मतलब शॉपकीपर काम होते हैं, कंज्यूमर उपभोक्ता बाया ये भी नहीं है, तो बच्चे वकील के क्लाइंट होते हैं, मतलब जैसे आपको आप क्लाइंट जो होता है वो वकील के पास जाता है, यानी कि कोई भी आपका केस होता है आप उसके लिए वकील के पास जाते, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, डॉक्टर को, डॉक्टर जिसका इलाज करता है उसको मरीज बोलते हैं, उसी प्रकार वकील के होते हैं क्लाइंट। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, ये आपका एस एस सी एच एस एल डी यू एल डी सी 2010 में पूछा गया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सुनिए अच्छे से, देखो इनकरेजमेंट रिलेट कर रहा है आपका विक्टरी से, इनकरेजमेंट इज रिलेटेड टू विक्टरी, उसी प्रकार यानी कि प्रोत्साहन आपका रिलेट कर रहा है विजय से, उसी प्रकार निराशा आखिर आपका किससे रिलेट करेगा, निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन आखिर आपका किससे रिलेट करेगा, देखो भाई जब आप जीतते हैं, जब आप जीतते हैं तो आपको इनकरेजमेंट प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है भाई, जब आप जीतते हैं विजय होते हैं तो आपको प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है, उसी प्रकार निराशा यानी कि जब आप नाराज होते हैं तो आपको बच्चे, जब आप एंगर नाराज होते तो आपको निराशा मिलती है, तो आप बच्चे ऑप्शन नंबर और असफलता मिलती है तो आप निराश होते हैं। बच्चे मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, देखिए जब आप विजय होते हैं मतलब जीतते हैं सक्सेस होते हैं तो बच्चे आपको प्रोत्साहन मिलता है, उसी प्रकार जब आप असफल होते तो आपको निराशा मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लीजिए, एस एस सी सी एच एस एल डी यू एल डी सी 2010 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कुत्ता रिलेट कर रहा है कैनिन से, उसी प्रकार आपका घोड़ा आके किससे रिलेट करेगा, घोड़ा आके किससे रिलेट करेगा। ठीक है भाई, कुत्ता आपके कैनिन से रिलेट कर रहा है, कुत्ता जो डॉग होता है, डॉग बच्चे आपका कैनिन एनिमल होता है, उसी प्रकार आपका हॉर्स कौन से एनिमल की कैटेगरी में आता है, तो बच्चे हॉर्स आपका आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुर मारना यानी कि हुप, जो हॉर्स का होता है खुर मारना काम रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, मेढक का बच्चा रिलेट कर रहा है आपका मेढक से, उसी प्रकार शेर का बच्चा को क्या बोलते हैं, मेढक के बच्चा रिलेट कर रहा है आपका मेढक से, मेढक का बच्चा जो होता है उसको मेढक की कैटेगरी में आता है, उसी प्रकार शेर का बच्चा भाई किसकी कैटेगरी में आएगा, शेर की कैटेगरी में आएगा, शेर का बच्चा शेर की कैटेगरी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे ये सी एच एस एल 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, ईट आपका रिलेट कर रहा है बच्चे मिस्त्री से, उसी प्रकार आपका रंग आखिर किससे रिलेट करेगा, बात को समझिए अच्छे से, जिस जो ईट है, जो ईट का काम आपका कौन करता है, मिस्त्री करता है। ठीक है भाई, उसी प्रकार रंग का काम कौन करता है भाई, रंग का काम आपका बच्चा तो करेगा नहीं, ये गलत कर लो अध्यापक भी नहीं करता है, ये गलत कर लो कुम्हार भी रंग का काम नहीं करता, ये गलत कर लो अब बताइए क्या, चित्रकार यानी कि पेंटर, पेंटर का पूरा काम रंग का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सोना रिलेट कर रहा है आपका आराम से, उसी पर खेल आपके आखिर आपका किससे रिलेट करेगा। ठीक है भाई, जैसे आपका सोते हैं तो आप आराम करते हैं, मतलब जब आप स्लीप करते हैं तो उसका मतलब होता है रेस्ट करना, उसी पर खेल का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है खेल का मतलब, तो आनंद लेना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लिए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आनंद लेना होता है खेल का मतलब। ठीक है भाई, जी आपका सी एच एस एल 2010 में पूछा गया था। बच्चे देखिए मैं आपको पहले 2010 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर उसका 2011 के कराऊँगा, फिर 2012, ऐसे हम लोग 2019 तक के आपको मैं क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, बिल्कुल हम लोग सिक्वेंस बाई सिक्वेंस में आपको पूरे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चे बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बेसिक से मॉडरेट लेवल तक चलेंगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन थोड़ी से टफ होते जाएंगे। देखो भाई, डरपोक आपका रिलेट कर रहा है गधा से, उसी प्रकार चतुर आपका आखिर किससे रिलेट करेगा। ठीक है भाई, चतुर आखिर आपका किससे रिलेट करेगा, देखो भाई जो गधा होता है, गधा होता है, डंकी होता है, वो डरपोक होता है, उसी प्रकार चतुर आपका कौन होता है, चींटी आपकी तो चतुर होती नहीं है, फॉक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका लोमड़ी आपकी चतुर की, चतुर जानवर की कैटेगरी में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चे आंसर हो जाएगा।
ठीक है, CGL 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक स्टेसी रिलेट कर रहा है ग्लूम से, यानी कि हसन माद रिलेट कर रहा है आपका दुखी से, उसी प्रकार इन चार पेयरों में से आखिर कौन सा पेयर सही होगा, इन चार पेयरों में से आखिर कौन सा पेयर आपका बच्चे सही होगा। देखो भाई, इसका बच्चे सही आंसर आपका हो जाएगा अपमान करना रिलेट करेगा आपका उमंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ये CGL 2011 में पूछा गया है। देखिए बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो समझो बात अच्छे से, जो हर्षुन मात आपका रेट कर रहा है दुखी से, यानी कि बच्चे ये सिमिलर नहीं है, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है भाई। हर्षुन मात रिलेट कर रहा है आपका मतलब दुखी से रिलेट कर रहा है, मतलब अपोजिट है, यानी कि जब आप खुश रहते तो दुखी अपोजिट है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर अपोजिट वाला केस देखो भाई, बधाई का मतलब अवसर, ये वाला केस नहीं बनेगा। उसी पर परिश्रमी का रिलेट करेगा सफलता से, ये वाला केस भी नहीं बनेगा, मतलब हमें तो अपोजिट देखना है ना भाई, हमें तो अपोजिट देखना है, समझे बात को आप। मापना रिलेट कर रहा पैमाना से, ये भी नहीं होगा भाई, ये तो सिमिलर हो रहा है ना, ये तो सिमिलर हो रहा है, मेजरमेंट और स्केल इक्वल है। उसी प्रकार अपमान करना यानी कि उमंग, ये बच्चे अपोजिट है, अपमान और उमंग अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये CGL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, देश आपका रिलेट कर रहा है राष्ट्रपति से, उसी प्रकार आपका राज्य जाके किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। देश आपका रिलेट कर रहा है किससे, राष्ट्रपति से, उसी प्रकार राज्य में आपका क्या होता है, जैसे देश में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है भाई, आपको आ गया होगा भाई राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी। देखिए CGL 2011 में पूछा गया, देखिए जो प्रेसिडेंट की कंट्री में जो पावर होती हैं, जो प्रेसिडेंट का काम होता है कंट्री में, उसी प्रकार राज्यपाल काम होता है राज्य में भाई, ठीक है भाई, वो राज्य को संभालता है राज्यपाल, उसी प्रकार राष्ट्रपति देश को संभालता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, अब देखो एग्जाम में अगर आ जाता बच्चे, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए कंट्री की जगह कंट्री रिलेट करेगा प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर अगर आपका PM होता तो जैसे आपका प्रधानमंत्री राज देश को संभालता है, उसी प्रकार स्टेट को संभालने वाला कौन होता है, उस केस में बच्चे आपका मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट है तो इस केस में बच्चे आपका राज्यपाल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माइरेज यानी कि मृग मरीचिका रिलेट कर रहा है आपका मरुस्थल से, मतलब माइरेज रिलेट कर रहा है डेजर्ट से, यानी कि बच्चे रेगिस्तान में होता है, रेगिस्तान में मैरेज होता है, मैरेज होम होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो राजस्थान तरफ होते हैं आपके मैरेज का फॉर्मेशन होता है, उसी का बच्चे इनमें से आके किससे कौन सा रिलेट करेगा, ठीक है भाई, ये पेयर दिए गए हैं, इनमें से आके कौन किससे रिलेट करेगा। उसी में बच्चे आपका आसमान में गलत फहमी होती है, ये गलत बात है, ये सिमिलर हो नहीं रही है। उसी पर इंद्रधनुष आसमान में होता है, बच्चे ये वाला आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे इंद्रधनुष हमें आसमान में दिखता है, उसी प्रकार रेगिस्तान में मिरेज दिखता है, ठीक है। यानी कि जब गर्मियों के समय में ऐसा लगता है कि मतलब प्यास वगैरह लगती है, ऐसा दूर दूर टाइप का आपको दिखता है, मिरेज का फॉर्मेशन होता है डेजर्ट में, ठीक है। उसी प्रकार बच्चे आपका इंद्रधनुष आसमान में आपका इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका CGL 2011 में क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे मछली आपका रिलेट कर रहा है आपका स्केल्स, उसी प्रकार भालू आके किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। जो आपका फिश रिलेट कर रहा है आपका किससे, स्केल से। उसी प्रकार आलू आपका आखिर किससे, भालू आपका किससे रिलेट करेगा। बच्चे इसके लिए चार ऑप्शन दिए जाते हैं और साथ साथ आपको 3 सेकंड टाइम दिया था, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए भैया, आपका क्या आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे जो जैसे कि मछली की जो बॉडी होती है कवर्ड होती है स्केल से, कवर्ड होती है, ठीक है। जो मछली की बॉडी होती है यानी फिश की बॉडी होती है स्केल से कवर्ड होती है एक्सटर्नली, ठीक है, ऊपरी हिस्सा उसका स्केल से होता है, ठीक है। उसी पर भालू की ऊपरी सतह को आप ऊपरी बॉडी को क्या बोलते हैं भाई, तो भाई भालू की ऊपरी बॉडी को आप क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं, FUR फर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, फर आपका बच्चे आंसर हो जाएगा।
जो आपकी भालू की बॉडी कवर्ड होती है फल से, तो एफ यू एफ फॉर आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। सीजीएल 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, जैसे लेखक है आपका, लेखक का आपका रिलेट कर रहा है कलम से, उसी प्रकार आपका ये चार पेयरों में से कौन सा पेयर सही होगा। जो लेखक का काम होता है, लेखक का कलम का काम रहता है, ठीक है, लेखक आपका कलम से लिखता है, उसी प्रकार आपका इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे। और ये सीजीएल 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो, जिस प्रकार सुई दलजी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है भाई। उसी पे का कलाकार आपका कला का काम का ब्रश होता है, उसी पे चित्रकार का काम होता है कैनवास, जो चित्रकार होता है उसका काम होता है कैनवास। जैसे लेखक होता है, लेखक कलम पर काम करता है, ठीक है, कलम पर काम करता है, ठीक है, उसी प्रकार चित्रकार आपका कैनवास पर काम करे। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए अगला क्वेश्चन, मुझे जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका क्या आंसर आ रहा है बच्चे, कमेंट बॉक्स में अपना इसका आंसर दीजिए आप। अच्छा, आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा भाई। क्या आंसर आया अपना, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइए यार। बच्चे अपना जल्दी जल्दी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप देते जाइए। दोस्तों आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। देखिए भाई, जैसे जुलूस होता है, जुलूस आपका रिलेट कर रहा है रास्ता में, जैसे कि आपको अच्छे से बता रहा हूँ, देखो जो जुलूस है, जुलूस यानी कि रास्ता में चलता है, ठीक है, जुलूस आपका रास्ता में निकलता है, मतलब आप देखते होंगे जो आपका रामनवमी का जुलूस निकलता है, आप जितने भी जुलूस होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है, और गणेश जी का जुलूस निकलता है, या फिर जिनका जो मुसलमान लोग उनका बारह वफात का जुलूस निकलता है, तो वो जुलूस आपका निकलता है रास्ते में। उसी प्रकार पृथ्वी पर क्या निकलता है, ठीक है, तो भाई पृथ्वी पर क्या निकलता है, पृथ्वी आपका कहाँ घूमती है, पृथ्वी आपकी कहाँ घूमती है, तो भाई पृथ्वी आपकी, जैसा कि आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो पृथ्वी हमारी ऑर्बिट में घूमती, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कक्षा में हो जाएगा। जैसे जुलूस आपका रास्ता में घूमता है, समझना बात को, अब जुलूस आपका बच्चे रास्ता में घूमता है, उसी पर पृथ्वी आपकी कहाँ घूमती है, तो पृथ्वी आपकी भाई ऑर्बिट में घूमती है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। सीजीएल 2011 में बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई होप कि आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक रिलेट कर रहा है आपका फसल से, यानी कि फर्टिलाइजर रिलेट कर रहा है क्रॉप से, उसी पे का बच्चे इन चार में से कौन सा पेयर सही होगा। जैसे उर्वरक आपका फर्टिलाइजर आपका क्रॉप फसल पर डाला जाता है, उसी पे का एक दूसरे से क्या रिलेट करेंगे, ठीक है, जो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं हम फसल की मतलब गुणवत्ता अच्छी करने के लिए, उर्वरक का उपयोग करते हैं, यानी फर्टिलाइजर का उपयोग कब करते हैं, ताकि फसल अच्छी हो जाए, उसी प्रकार भाई इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, विचार कीजिए थोड़ा सा। टीचर रिलेट कर रहा है एजुकेशन से, जैसे अध्यापक शिक्षा से करेगा, ऐसा भी बात नहीं है भाई। उसी प्रकार आपका क्लोरीन पानी से करेगा, ये भी बात सही नहीं है। और भाई देखिए, ये सीजीएल 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है भाई। जैसे टॉनिक है, टॉनिक आपका काम करता है बॉडी में, ये बात बिल्कुल सही है, टॉनिक का काम होता है बॉडी में, टॉनिक आपका बॉडी में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। जैसे आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे उर्वरक का काम होता है, फर्टिलाइजर काम क्या होता है, फसल अच्छी करता है, उसी प्रकार बच्चे आपका जो टॉनिक होता है, कोई भी टॉनिक होता है वो आपका बॉडी सही करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप कोई भी टॉनिक लेते हैं, टॉनिक आपका बॉडी को सही कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी टॉनिक रिलेट करेगा शरीर को, ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में पूछा गया है 2011 में, ठीक है। जैसे व्रत होता है तो भूख, जैसे व्रत रिलेट कर रहा है आपका भूख से, उसी प्रकार दौड़ जब होगा तो किससे रिलेट करेगा, जब आपको व्रत रहता है तो आपको भूख लगती है, ठीक है,
व्रत का क्या मतलब क्या होता है दोस्तों? व्रत का मतलब जैसे कि आप जानते हैं, व्रत मतलब होता है कुछ खाना, मतलब कुछ भूख के पेट, मतलब कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं है तो आपको भूख सा महसूस है, आपको कुछ जब कुछ खाएंगे नहीं तो भूखे होंगे आप, तो व्रत रिलेट करेगा भूख से, उसी पर दौड़ आपका आखिर भाई किससे रिलेट करेगा, ठीक है ना भाई? दौड़ यानी कि रेस आखिर आपका किससे रिलेट करेगा? बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा टायर्ड। जब आप दौड़ ज़्यादा दौड़ते हैं तो आप थकान से महसूस करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लूम आपका रिलेट कर रहा है समानार्थी, यानी कि एंटोनियम रिलेट कर रहा है सिनोनियम से, यानी कि अपोजिट है बच्चे यहाँ पर, एंटोनियम अपोजिट सिनोनियम के, एंटोनियम अपोजिट सिनोनियम के, उसी प्रकार एनालिसिस आके आपका विश्लेषण किसके अपोजिट होगा, विश्लेषण भाई आपका किसके अपोजिट होगा। आई होप कि बच्चे आपको इसका सही आंसर आ गया होगा, एनालिसिस आके आपका किससे रिलेट करेगा। तो भाई एनालिसिस का एंटोनियम होता है सिंप्लीफाई, एनालिसिस का एंटोनियम क्या होता है? सिंप्लीफाई। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड दोस्तों एक सेकंड रुकिए आप, देखो फिर से आप बात बच्चे समझिए। देखो एंटोनियम आपका रिलेट कर रहा है सिनोनियम से, यानी कि अपोजिट है, ठीक है, मेरे मुंह से गलत निकल गया, देखिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ दोस्तों, इसका आंसर आपका ए होगा, जल्दी जल्दी मैंने आपसे गलती से सी बोल दिया, इसका आंसर बच्चे सी नहीं होगा, ए आपका आंसर होगा। बोल सुनिए आप कैसे होगा, देखिए भाई जैसे विलोम का अपोजिट होता है समानार्थी, उसी प्रकार विश्लेषण का अपोजिट क्या होता है भाई? संश्लेषण। विश्लेषण का अपोजिट क्या होता है? संश्लेषण। संश्लेषण आपका विश्लेषण का अपोजिट होता है, एनालिसिस का अपोजिट होता है सिंथेसिस, ठीक है भाई? तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ये को टिक कर लीजिए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टेनोग्राफर सी और डी में 2011 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बुक आपका रिलेट कर रहा है ऑथर से, उसी प्रकार स्टैचू आखिर आपका किससे रिलेट करेगा? जैसे एक किताब आपका रिलेट कर रहा है लेखक से, उसी प्रकार मूर्ति आखिर भाई किससे रिलेट करेगा? समझना बात को आप, किताब को लेखक लिखता है, किताब को लेखक लिखता है, उसी प्रकार मूर्ति को कौन बनाता है, मूर्ति का निर्माण कौन करता है? बच्चे इसके लिए चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए इसका। बच्चे आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। तो भाई मूर्ति कौन बनाता है? मूर्तिकार बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी मूर्तिकार आंसर हो जाएगा। ये आपका CHSL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे। अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है सुनिए अच्छे से। देखो भाई लाइफ यानी कि जीवन रिलेट कर रहा है मृत्यु, जीवन अपोजिट है, मतलब जीवन रिलेट कर रहा है मृत्यु से, उसी प्रकार उम्मीद आखिर किससे रिलेट करेगा? देखिए लाइफ का अपोजिट वर्ड होता है जीवन का अपोजिट वर्ड होता है मृत्यु, उसी प्रकार उम्मीद का अपोजिट वर्ड क्या होगा? उम्मीद का अपोजिट वर्ड क्या होगा? उम्मीद का अपोजिट शब्द क्या होगा? रोना होगा क्या? ये भी बात गलत है, रोना नहीं होगा भाई। क्या दर्द होगा? उम्मीद का दर्द से क्या मतलब? ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत होगा। क्या निराश होगा या क्या दुख होगा? तो भाई दुख नहीं होगा आपका, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी यानी कि निराशा आपका बच्चे जरूर होगा, क्योंकि जब आपकी उम्मीद टूटती है तो आपको दुख होता है, निराशा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए। GSSC कांस्टेबल GD 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। जैसे पुत्र आपका रिलेट कर रहा है भतीजा से, पुत्र आपका रिलेट कर रहा है भतीजा से, उसी प्रकार पुत्री आकर किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। पुत्री आके किससे रिलेट करेगा? जैसे पुत्र है, पुत्र को आप लड़की वाले को आप बोलते हैं क्या? जैसे कोई चाचा है, जैसे पुत्र है, पुत्र को आप भतीजा बोलते हैं, यानी कि लड़का है तो आप भतीजा बोलेंगे, और पुत्री है तो क्या बोलेंगे उस कैटेगरी में? जो पुत्र की कैटेगरी में तो उसको भतीजा बोलते हैं, ठीक है। उसी पर पुत्री होती तो उसको भतीजी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब यहाँ जेंडर वाली बात हुई है, पुत्र का जो आपका जेंडर होता है, मतलब पुत्र का जो आपका लिंग होता है, यानी भतीजा बोलते हैं, उसी पर पुत्री को आप भतीजी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लिए बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए हुए। बच्चे देखिए ये क्वेश्चन SSC कांस्टेबल GD 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आई होप कि आपको सब समझ में आ रहे होंगे।
बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, बाकायदा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बच्चे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बगल में बेल आइकन जरूर दबाना सो दैट कि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, क्योंकि मैं बच्चे आप लोगों के लिए रीजनिंग मैथ इंग्लिश सब कुछ मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, आपको बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। और इसके अलावा बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर सारा कंटेंट बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो देर किस बात की बच्चे, सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं जरूर कि कैसा आपको वीडियो लगा, और इस वीडियो को कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 31वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है वो सुनिए आप अच्छे से। जैसे रिंग यानी कि बाली बोलते हैं, उसी प्रकार बाली आपका कान में पहनाई जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बच्चे रिंग आपकी ईयर रिंग है यानी कि कान वाली है ना, कान में जो बाली आप पहनाते हैं ना कान में, वो वाला यहाँ पर है रिंग, यहाँ पर अंगूठी वाली नहीं है। जैसे आपकी कान वाली रिंग कान में पहनाई जाती है, उसी पर कलाई में आपका क्या पहनाया जाता है भाई, कलाई में आपको क्या पहनाया जाता है, कलाई में यानी कि भाई ब्रेस्ट में आपका कलाई में जहाँ आप घड़ी पहनते हैं ना वहाँ पर क्या पहनाया जाता है, तो भाई क्या लॉकेट पहनाया जाता है, लॉकेट तो आपका भाई गले में पहनाया जाता है, ये बात गलत है। चेन पहनाई जाती है, तो भाई चेन आपकी गले में पहनाई जाती है, चेन भी तो आप गले में पहनते हैं ना, ये बात भी गलत है। क्या चूड़ी पहनाई जाती है, तो बच्चे ये वाला आपका आंसर सही है, चूड़ी आप मतलब घड़ी की जगहों में आप चूड़ियाँ, लेडीज जो लड़कियाँ होती हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, आपके हाथों में चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं लेडीज की, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये 2012 में क्वेश्चन बच्चे पूछा जा चुका है। बच्चे आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियो में कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा दूं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा, और इस वीडियो को कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना होगा, सो डेट कि मैं आपको कंप्लीट सारे चैप्टरों का आपको फुल प्रीवियस ईयर पेपर करा दूं। यहाँ बच्चे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ कंप्लीट सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आपको एक रुपये भी पे नहीं करना है। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, वहाँ पर आपको यहाँ पर इसकी फ्री PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, और बच्चे टेलीग्राम चैनल में फ्री PDF मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको जो 500-1000 रुपए की बुक आप मार्केट से परचेज करते हैं वो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो भाई देर किस बात की, अभी गुरुकुल प्लस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है सुनिए अच्छे से आप बात को। देखो भाई बोर्ड यानी कि लकड़ी आपका रिलेट कर रहा है भाई कागज से, उसी प्रकार आपका स्टील आके किससे रिलेट करेगा, इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उसके साथ आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाइए आप। बच्चे आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। देखो भाई लकड़ी रिलेट कर रहा है कागज से, ठीक है भाई, जो आपका भाई वुड पल्प होता है वो आपका बेसिक रॉ मटेरियल होता है पेपर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जो आपका लकड़ी का वुड पल्प होता है वो आपका बेसिक, जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल होता है भाई पेपर का प्रोडक्शन करने के लिए, उसी पर स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, स्टील के प्रोडक्शन के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो भाई ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कील आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, जो स्टील होता है स्टील का आप क्या बना दें, कील आप स्टील की बना दें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन क्या है, आभूषण रिलेट कर रहा है आपका सोना से, आभूषण आपका रिलेट कर रहा है सोना से, उसी का फर्नीचर भाई किससे आकर रिलेट करेगा, आभूषण यानी कि ज्वेलरी रिलेट कर रहा है गोल्ड से, आभूषण यानी कि ज्वेलरी रिलेट कर रहा है सोना से, उसी का भाई फर्नीचर के आपका किससे रिलेट करेगा, ये आपका 2012 में पूछा गया CHSL, ठीक है भाई। देखो आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया। देखो भाई गोल्ड का जो गोल्ड होता है, गोल्ड का आप प्रयोग किस लिए करते हैं, गोल्ड का आप प्रयोग करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, गोल्ड का प्रयोग आप ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं, उसी का फर्नीचर का प्रयोग आप किस लिए करते हैं, फर्नीचर का प्रयोग लकड़ी बनाने, लकड़ी में फर्नीचर का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई, जो आपका लकड़ी होता है लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बच्चे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक आखिर आपका रिलेट कर रहा है उपन्यास से, उसी पे का कोरियोग्राफर आखिर किससे रिलेट करेगा,
कोरियोग्राफर आकर आपका किससे रिलेट करेगा, जैसे लेखक आपका रिलेट कर रहा है उपन्यास से, लेखक आपका ऑथर रिलेट कर रहा है उपन्यास से, नोवेल से, लेखक आपके आके रिलेट कर रहा है उपन्यास से, उसी पर कोरियोग्राफर आके किससे रिलेट करेगा, जैसे लेखक बच्चे आपका उपन्यास लिखता है, ऑथर आपका नोवेल लिखता है, उसी पर कोरियोग्राफर का काम क्या होता है, तो कोरियोग्राफर भी डांस के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको आंसर आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चे आंसर इसका हो जाएगा, ये 2012 में पूछा गया है। डांस सिखाने के लिए बच्चे कोरियोग्राफर का प्रयोग कोरियोग्राफर होते हैं, डांस जो जो लोग डांस सीखने जाते हैं उन लोगों के लिए कोरियोग्राफर बोलते हैं उनको, ठीक है, डांस के टीचर को। अगला क्वेश्चन है भाई, टेलीफोन आपका रिलेट कर रहा है मोबाइल फ़ोन से, टेलीफोन आपका रिलेट कर रहा है मोबाइल फ़ोन से, उसी प्रकार कंप्यूटर आकर आपका किससे रिलेट करेगा। मतलब आप देख रहे होंगे बच्चे यहाँ पर टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन एक ही चीज़ है, मतलब जनरेशन आगे हो गई है, ठीक है भाई, पहले आपका टेलीफोन आया फिर मतलब बात एक ही है, टेलीफोन जैसे आपका टेलीफोन होता है, मोबाइल फ़ोन वायरलेस होता है, टेलीफोन आपका विदाउट वायरलेस फ़ोन होता है, ठीक है भाई, उसी प्रकार भाई आपका कंप्यूटर आकर किससे रिलेट करेगा, भाई कंप्यूटर आके किससे रिलेट करेगा, तो बात यहाँ पर ये हो रही है वायरलेस और विदाउट वायरलेस वाली बात हो रही है, ठीक है। ये आप ये भी मान सकते हैं कि टेलीफोन के बाद आया आपका मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के बाद क्या आया आपका लैपटॉप आया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। और आप ऐसे भी इसको मान सकते हैं टेलीफोन में होता है वायर और इसमें वायर जो विदाउट वायरलेस होता है, ये वायरलेस होता है, ये वायर होता है इसमें, और इसमें कंप्यूटर में वायर होता है और इसमें लैपटॉप में वायरलेस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका CHSL 2012 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भोजन आपका रिलेट कर रहा है भूख से, भोजन आपका रिलेट कर रहा है भूख से, उसी प्रकार सोना आपके आके किससे रिलेट करेगा। जब आपको भूख लगती है तो आप भोजन का जब आपको भूख लगती है ना भाई तो आप भोजन करते हैं, जब आप भूखे होते हैं तो आप भोजन करते हैं, यानी कि उसी प्रकार जब आपको थकावट होती है तो आप सोते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका CHSL 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बिना देर किए हुए, ऐसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर का काम क्या होता है हॉस्पिटल, डॉक्टर रिलेट कर रहा है हॉस्पिटल से, उसी प्रकार सेफ यानी कि रसोईया का काम क्या होता है, जैसे डॉक्टर आपका हॉस्पिटल में होता है उसी प्रकार रसोईया आपका कहाँ होता है, तो रसोईया भाई आपका जो रसोईया होता है वो कहाँ होता है, तो रसोईया आपका रसोई घर में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका CHSL DU और LDC 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2012 में क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई, देखो समझो बात को अच्छे से, जैसे मुर्गी आपका रिलेट कर रहा है अंडा से, उसी प्रकार बच्चे पेड़ आपका किससे रिलेट करेगा, जैसे मुर्गी अंडा देती है उसी का पेड़ आपका आखिर क्या काम करता है, पेड़ क्या देता है भाई, पेड़ यानी कि प्लांट आपको आके क्या देता है, तो प्लांट आपका बीज देता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बीज आपका प्लांट बीज देता है, तो बीज आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका CHSL 2012 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो समझो अच्छे से बात, देखो खिड़की रिलेट कर रहा है आपका भाग से, उसी पे अगर आपका किताब आके आपका किससे रिलेट करेगा, खिड़की जो आपका पेन है रिलेट कर रहा है आपका विंडो से, उसी पे भाग आपका रिलेट कर रहा है खिड़की से, उसी पे किताब आके किससे रिलेट करेगा। बच्चे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो जो साइड ऑफ विंडो होती है उसको हम पेन बोलते हैं, ठीक है भाई, उसी पे अगर किताब आके आपका किससे रिलेट करेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी पेज, किताब में ऐसे पेज होते हैं, उसी प्रकार जो जो साइड का पार्ट होता है उसमें खिड़की के साइड के पार्ट को हम भाग बोलते हैं, ठीक है, उसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी पेज हो जाएगा, ठीक है भाई, किताब में पेज होते हैं। ये आपका CHSL 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे चारपाई आपकी रिलेट कर रहा है गद्दा से, चारपाई जो आपका चारपाई होता है वो गद्दा से रिलेट कर रहा है, उसी पर भाई फर्श आकर आपका किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई, देखो भाई गद्दा आप चारपाई भी बिछाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसा कि बच्चे आपने देखे होंगे गांव में होते हैं चारपाई होती हैं, खटिया टाइप की होती हैं,
जिसके ऊपर हम गद्दे बिछाते हैं और सो जाते हैं। तो आपने गद्दे बिछाने के लिए बच्चे आप चारपाई के ऊपर आप गद्दे बिछाते हैं, ठीक है, चारपाई के ऊपर गद्दे बिछाते, गद्दे आप चारपाई पर बिछाते हैं। उसी प्रकार भाई फर्श पर आप क्या बिछाते हैं, तो फर्श आप किसके ऊपर बिछाते हैं, तो भाई फर्श आप किसके ऊपर बिछाते हैं, किसके ऊपर बिछाते हो भाई, तो फर्श आप कालीन, कालीन पर बिछाते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कारपेट आपका फ्लोर पर के लिए बिछाए जाते हैं, ठीक है, मतलब समझो आप बात, बात को अच्छे समझो। देखो भाई गद्दा आप कहाँ बिछाते हो, चारपाई, चारपाई पे बिछाते हो, गद्दा आप चारपाई पे बिछाते हो, उसी पे फ्लोर यानी कि फर्श पर यानी कि जमीन पर आप क्या बिछाते हो, फर्श यानी कि जमीन, फर्श यानी कि बच्चे यहाँ बुआला फर्श नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फर्श आपका जी है जमीन, जमीन पर आप क्या बिछाते हो, जमीन पर क्या बिछाते हो, इनमें से क्या पर्दा जमीन पर बिछाते हो, ये नहीं बिछाते हो, पलंग पोस्ट में बिछाते हो या पलंगों पर बिछाते हैं या फिर या टाइल्स बिछाते हो, टाइल्स आप कैसे बिछाओगे भाई फर्श पर, या फिर कालीन बिछाते हो, तो भैया आप कालीन बिछाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर, जो लाल कलर की, नीली कलर की, हरी कलर की कालीन आती है वो आप फर्श पर बिछाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सी एच एस 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चे अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चे अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करो। बच्चे मैं आपके लिए लगातार चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे लगातार आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके, बच्चे आपका रीजनिंग आपका फुल मार्क्स आ सके। बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको वीडियो लग रहा है। देखिए मैं आपको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, कंप्लीट बच्चे आपको रीजनिंग दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर से मैं आपको सारा कंप्लीट रीजनिंग करा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो बच्चे आपको सब सब कुछ यहाँ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो बच्चे आपको लाइक जरूर करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें, सुरेट की मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है भाई। जैसे नमक आपका रिलेट कर रहा है आपका उच्च रक्तचाप से, जैसे आपका नमक आपका रिलेट, साल्ट आपका रिलेट कर रहा है हाइपर टेंशन से, उसी प्रकार शुगर आपका किससे रिलेट करेगा, जब आप बच्चे आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया हो, जब आप नमक ज़्यादा बच्चे खाते तो आपको क्या हो जाता है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन हो जाती है, उसी प्रकार जब आपको जब आप शुगर ज़्यादा खाते हैं, शुगर ज़्यादा खाते हैं तो भाई आपको क्या हो जाता है, शुगर आप ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो क्या हो जाता है भाई, आपको डायबिटीज़ हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, डिसीज वाला पैटर्न था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मधुमेह आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, इसको टिक कर लो। ये आपका सी एच एस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे मैं आपको 12 बता रहा हूँ, आप रीजनिंग का एक अलग से रजिस्टर बना लो, एक रीजनिंग का बाजार से जाओ, बाजार से रीजनिंग का रजिस्टर लाओ और रजिस्टर एक बना लो, और उसमें आप क्वेश्चन क्वेश्चन की जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चे, मैं आपको कंप्लीट सीरीज रीजनिंग की कंप्लीट एमसीक्यू के पैटर्न पर सीरीज करा रहा हूँ, पहले आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है। इसके अलावा एनालॉजी और सिमिलरिटी की बच्चे मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट नोट्स बताए, अगर आप बेसिक अभी आपकी अगर रीजनिंग आपकी बिल्कुल वीक है बच्चे, तो आपको वहाँ पर मैंने बिल्कुल रीजनिंग एनालॉजी बिल्कुल बेसिक से समझाई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली, वहाँ पर भी आप एनालॉजी स्टार्टिंग से देख सकते हैं, वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल बेसिक क्लास है, क्लास नोट्स वाली क्लास है, आप एनालॉजी की वो भी देख सकते हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर वाला पैटर्न है, ठीक है भाई। आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आपको ऑप्शन आप लिख लीजिए, जितने मैं 161 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 161 में आपको कितने क्वेश्चन कैसे ही आ रहा है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लास्ट में आप अपने आंसर लास्ट में आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, ये बच्चे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। अगला क्वेश्चन प्रस्तावना, प्रस्तावना आपका रिलेट कर रहा है उपसंहार से, उसी प्रकार ऊषा आखिर किससे रिलेट करेगा, प्रस्तावना लेट कर रहे एपिलॉग से, बच्चे प्रस्तावना लेट कर रहे उपसंहार से, मतलब प्रस्तावना यानी कि स्टार्टिंग का होता है जो इंट्रोडक्शन होता है ना, प्रस्तावना लेट कर रहे उपसंहार से यानी लास्ट का, यानी कि फर्स्ट लेट कर रहा अपोजिट से, मतलब लास्ट से यानी कि अपोजिट है ना भाई, फर्स्ट लेट कर रहा है प्रस्तावना लेट कर उपसंहार से यानी कि अपोजिट है, उसी प्रकार ऊषा आके किससे रिलेट करेगा, ऊषा आके किससे रिलेट करेगा भाई, ऊषा आपका बच्चे रिलेट करेगा क्या संध्या से रिलेट करेगा, तो भाई संध्या से रिलेट नहीं करेगा, ऊषा यानी कि सुबह की बेला को हम ऊषा काल बोलते हैं, ठीक है, क्या शाम से रिलेट करेगा या
सूर्यास्त का समय करेगा, शाम से भी नहीं करेगा भाई, सूर्यास्त के समय से करेगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये बच्चे CHSL 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। मोरनी आपका रिलेट कर रहा है मोर से, उसी पर कुतिया के किससे रिलेट कर। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, मोरनी आपका फीमेल है, मोर आपका मेल है, उसी पर कुतिया का, कुतिया फीमेल है, मेल क्या होगा, मेल कुत्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, अध्यापक आपके किससे रिलेट कर, अध्यापक आपका रिलेट कर रहा है विद्यार्थी से, उसी पर धर्माष्ट आपका आखिर किससे रिलेट करेगा। ये क्वेश्चन आपका बच्चे CHSL LDC DO 2012 में पूछा जा चुका है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चे मैं आपको बिल्कुल ऐसे सिक्वेंस वाइज कराऊंगा, पहले 2011 ही कराऊंगा, फिर 2012, फिर 2013, फिर 14, फिर 15 कंप्लीट। बच्चे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, राकेश यादव जो राकेश यादव पब्लिकेशन का 7300 प्लस है उससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है भाई। अध्यापक आपका रिलेट कर रहा है विद्यार्थी से, जैसे कि अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाता है, उसी प्रकार बच्चे धर्माध्यक्ष जो धर्माध्यक्ष होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है भाई। जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसी प्रकार पॉन्टिफ जो जो आपका धर्माध्यक्ष होता है वो किसको ट्रेन करता है, तो धर्माध्यक्ष भैया आपका क्या ऑप्शन नंबर ए को ट्रेन करता है। तो भाई धर्माध्यक्ष होता है वो शिक्षक को ट्रेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। मधु आपका रिलेट कर रहा है गुंजन को, मधु आपका रिलेट कर रहा है गुंजन को। बच्चे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो जो मधुमक्खी की साउंड होती है ना, बीज की साउंड होती है, उसको हम बोलते हैं हम, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी वगैरह में, जो बी की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं, उसी पर आउल की आप आवाज़ को क्या बोलते हैं, आउल की आवाज़ जो आउल आवाज़ निकालता है उसको क्या बोलते हैं, क्या आप गर्जना बोलते हैं, गर्ज तो थोड़ी ना उल्लू भाई, या फिर आप उसको बोलना बोलते हैं, उल्लू बोलता थोड़ी ना है, या फिर फुफक काटना बोलते हैं हिस, तो भाई उल्लू क्या हिसकाता है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो होट जो हाउल्स की साउंड होती है उसको हम होट बोलते हैं, यानी घुकवाना, उल्लू आपको घुकवाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझी बात को आप, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा जी। SSC असिस्टेंट में आपका दो ग्रेड थ्री की पोस्ट में 2012 में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सुनिए अच्छे से आप, देखो निश्चित आपका रिलेट कर रहा है पुराना से, निश्चित आपका रिलेट कर रहा है पुराना से, उसी प्रकार आपका भाई आर्थिक आखिर किससे रिलेट करेगा, आर्थिक आखिर किससे रिलेट करेगा। जैसे जो निश्चित आपका रिलेट कर रहा है पुराना से, मतलब बच्चे जो जो कन्फर्म्ड और इनबिटिरेट हैं, जो आपके जो जो रिलेट टर्म है, उसी प्रकार आपका आर्थिक आपका रिलेट किससे करेगा, तो बच्चे आर्थिक आपका रिलेट कर जाएगा दिवालिया से, मतलब जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाती तो आदमी दिवालिया हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी दिवालिया आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, कोयला आके रिलेट कर रहा है आपका किससे, काला हीरा, कोयला को आप काला हीरा भी बोलते हैं, उसी प्रकार पेट्रोल आपका आखिर किससे रिलेट करेगा। जैसे कोयले को भाई आपका ब्लैक डायमंड बोलते हैं, उसी पर पेट्रोल आपका किससे रिलेट करेगा, ठीक है, जो कोयले को आप काला हीरा भी बोलते हैं, ठीक है भाई, उसी प्रकार पेट्रोल भाई आपका, पेट्रोल आपका आखिर पेट्रोल को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो भाई क्या आप ठोस सोना बोलते हैं, भाई ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्या आप काला सोना बोलते हैं, काला सोना तो भाई आप हीरा को, काला सोना आप थोड़ी ना बोलते हैं पेट्रोल को भाई, क्या आप तरल सोना बोलते हैं, क्या आप तरल सोना बोलते हैं, तो भाई तरल सोना आप इसको जरूर बोलते हैं, क्योंकि आपका ये जो पेट्रोल होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, पेट्रोल आपका किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में, तो आप भाई इसको लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका SSC असिस्टेंट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेड थ्री के एग्जाम में। पोस्टर आपका रिलेट कर रहा है दीवार से, पोस्टर आके रिलेट कर रहा है दीवार से, जैसे आप दीवार पर पोस्टर चिपकाते हैं उसी प्रकार फोटोग्राफ आप कहाँ लगाते हैं, जैसे दीवार पर पोस्टर लगाते हैं उसी प्रकार बच्चे आप फोटोग्राफ कहाँ लगाते हैं, फोटोग्राफ भाई कहाँ लगाते हो आप, तो भाई फोटोग्राफ हम फ्रेम में लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, फोटोग्राफ आप फ्रेम में लगाते हैं।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। जैसे कवि होता है, कवि कल्पना करता है, कवि आपका इमेजिनेशन करता है। जैसे जो पोएट है कवि रिलेट कर रहा है कल्पना से, यानी कवि आपकी कल्पना करता है। उसी प्रकार इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहासकार आपके तथ्य यानी कि फैक्ट पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, जो इतिहासकार होते हैं फैक्ट पर रिसर्च करते हैं, तथ्य आपका तथ्य निकालते हैं। ऑप्शन मसी आपका आंसर हो जाएगा। इतिहास का आपका फैक्ट से रिलेट करते हैं, तो ऑप्शन मसी आपका आंसर हो जाएगा। ये FCI स्टैंड 2012 में क्वेश्चन अच्छे पूछा गया है। फूड कमर्सी इंस्पेक्टर FCI में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है आपका। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन 14 वाला पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, त्रिभुज आपका रिलेट कर रहा है आपका छठभुज से, यानी कि ट्राइंगल आपका हेक्सागोन होता है। ठीक है, जैसे जो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल रिलेट कर रहा है हेक्सागोन से, उसी प्रकार बच्चे इनमें से कौन सा पेयर आपके सही होगा। समझना बात को, आप जो ट्राइंगल होता है, जो ट्राइंगल आपका जो तीन स्ट्रेट लाइन से बनता है, यानी कि एक लाइन ए होती है, एक लाइन ए होती है, एक लाइन ए होती है, और हेक्सागोन कैसा बनता है भाई, समझना बात को। हेक्सागोन बच्चे आपका 6 लाइन से बनता है। ठीक है, हेक्सागोन बच्चे आपकी ये ट्राइंगल आपकी 3 लाइन से बनता है, हेक्सागोन आपकी 6 लाइन से बनता है। उसी प्रकार इनमें से आपको आपके कौन सा केस होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर डबल वाला केस हुआ, 3 दूनी 6 डबल हो रहा है, यानी कि तो बच्चे आपका कौन, जो कौन होता है, कौन यानी कि आपका बनता है, कौन रिलेट करेगा स्पेयर से, इस प्रकार कौन यानी कि जो कौन आपका ऐसा होता है, कौन आपका क्या गोले से रिलेट करेगा, ये भी नहीं होगा भाई। क्या रेक्टेंगल ऑक्टागोन से रिलेट करेगा, रेक्टेंगल ये आपका हो गया। क्या ऑक्टागोन से रिलेट करेगा, तो भाई ऑक्टागोन से जरूर रिलेट करेगा, ऑक्टागोन आपकी 8 लाइन से बनता है। ठीक है, और आपका जी आपका रेक्टेंगल 4 लाइन से बनता है, 1 2 3 4 ऑक्टागोन आपकी 8 लाइन से बनता है। ठीक है भाई, ऑक्सी अंदर बन जाता है तो आपकी 8 लाइन से बनता है, तो ऑप्शन में बी बच्चे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका FCI 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन भाई चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विषाणु यानी कि रिलेट कर रहा है बड़ी माता को, वायरस रिलेट कर रहा है स्मॉल पॉक्स को। जब भाई वायरस होता है, जो वायरस विषाणु होता है बड़ी माता स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, ऐसे वायरस आपका रिलेट कर रहा है स्मॉल पॉक्स से। उसी प्रकार बैक्टीरिया किससे रिलेट करेगा, यानी कि जीवाणु भाई किससे रिलेट करेगा। बच्चे स्क्रीन में 3 सेकंड का टाइम है, तो उसका आंसर जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना इसका आंसर दीजिए। जैसे बड़ी जो आपका वायरस से रिलेट स्मॉल पॉक्स से कर रहा है, उसी प्रकार बैक्टीरिया आके आपका किससे रिलेट करेगा, तो ये बैक्टीरिया आपका टाइफाइड से रिलेट करेगा। ठीक है, ऑप्शन में बी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन में बी आपका आंसर हो जाएगा। जो बैक्टीरिया का जो आपका होता है बच्चे एजेंट होता है, वो होता है आपका टाइफाइड। JMTA 2013 बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई बिना देर किए हुए। जैसे होम रिलेट कर रहा है आपका किचन से, घर रिलेट करेगा रसोई से, उसी पे का बच्चे आपका पौधा आके किससे रिलेट करेगा। जैसे जो घर में आप जो आपकी होम में होती है किचन, उसी का प्लांट आपका पौधे में आपका पौधा कहाँ होता है। ठीक है, जैसे सुनना समझना होता आपको, जैसे घर में आपकी होती है किचन, उसी का प्लांट आपकी आखिर आपका कहाँ होता है। होम ठीक है, उसी का प्लांट आपके आके कहाँ पर होता है, प्लांट किसका पार्ट होता है, यानी तो भाई जड़ का पार्ट होता है, ये भी बात नहीं है, मैदा का पार्ट होता है, ये भी बात नहीं है, लीप का पार्ट होता है। ऑप्शन मसी बच्चे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मसी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका बच्चे, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुन फिर से आप सुनना समझना बच्चे आप इसको, जैसे होम है जो आपके घर में किचन होता है, जहाँ पर आप खाना वगैरह अपना पेट भरते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आपकी मील जो भी आपकी मील होती है, वहाँ पर आप कुक्ड करते हैं, कोई भी आइटम आप कुक्ड करते हैं और प्रिपेयर करते हैं, जहाँ आपकी मील होती है। ठीक है, मील्स होती हैं, उसी का बच्चे आपका प्लांट है, प्लांट के जो होता है, प्लांट को जो
प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट हो जिसमें हम जो खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि जड़ होता है या फिर मैदा होती है या फिर पत्ती होती है या फिर तना होता है। बच्चे जो पत्ती होती है, जैसे कि आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर सी पत्ती आपका आंसर हो जाएगा। पत्ती में क्या होता है, जो आपका जो पार्ट होता है प्लांट का, जो लीफ आपका एक प्लांट का पार्ट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस, जो आपका फोटोसिंथेसिस होती है टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस होती हैं। इस प्रकार फूड आपका प्लांट का मैन्युफैक्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एसएससी एमटीआई 2013 बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिना देर किए हुए किताब आपका रिलेट कर रहा है दराज से, उसी पे का बच्चे कपड़ा आखिर किससे रिलेट करेगा, कपड़ा आखिर किससे रिलेट करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। जैसे किताब है, किताब आप दराज में रखते हैं, किताब आप दराज में रखते हैं, उसी पर भाई कपड़े आप कहाँ रखते हो, कपड़े आप कहाँ रखते हो, तो भाई कपड़े आप वार्डरोब में रखते हो, तो वार्डरोब आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एसएससी एमटीआई 2013 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिना देर किए हुए कुल्हाड़ी आपका रिलेट कर रहा है काटना से, कुल्हाड़ी रिलेट कर रहा है काटना से, उसी प्रकार सुई का काम क्या होता है। जैसे कुल्हाड़ी का काम होता है कोई भी चीज़ काटना, पेड़ काटना काम होता है कुल्हाड़ी का। जैसे आप भाई पेड़ काटते हैं तो उसका काम होता है कुल्हाड़ी का, यानी कुल्हाड़ी रिलेट कर रहा है काटना से, उसी प्रकार सुई किससे रिलेट करेगी। मतलब कुल्हाड़ी का काम होता है काटना, उसी प्रकार सुई का काम क्या होता है, सुई का काम क्या होता है भाई, क्या छाटना होता है, छाटना होता है, छाटना नहीं होता है, चित्रित करना होता है, ड्रॉ करना भी सुई का काम कहाँ होता है भाई, क्या खोदना होता है, सुई थोड़ी ना खोदेगी भाई, क्या बुनना होता है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सुई आपकी बुनती है, सुई काम होता है बुनना, कपड़े वगैरह बुनने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीए 2013 में क्वेश्चन बच्चे पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, गेहूँ आपका रिलेट कर रहा है अनाज से, गेहूँ आपका रिलेट कर रहा है अनाज से, उसी पर पानी आखिर किससे रिलेट करेगा, पानी आखिर बच्चे आपका किससे रिलेट करेगा। देखो भाई, जैसे जो गेहूं होता है वो आपका अनाज होता है, ठीक है, गेहूं आपका अनाज की कैटेगरी है, मतलब उसी का पानी आपका किसकी कैटेगरी में आता है। ठीक है भाई, पानी आपके इन चार ऑप्शन में से किसकी कैटेगरी में आता है, पानी पेट्रोल की कैटेगरी में आता है, ये भी नहीं आता है, लिक्विड की कैटेगरी में आता है, तो वही ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि पानी आपका लिक्विड की कैटेगरी में आता है, पानी आपका किसकी कैटेगरी में आता है भाई, लिक्विड की कैटेगरी में पानी आपका आता है। ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2013 बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी रिलेट कर रहा है तारा से, जो आपका जो एस्ट्रोनॉमी आपका रिलेट कर रहा है तारा से, उसी पर बच्चे आपका भूविज्ञान आके किससे रिलेट करेगा। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड टाइम देता हूँ, जिसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट ऑप्शन का आंसर आप मुझे दीजिए। ठीक है, भाई जल्दी जल्दी अपने आंसर इसमें दे जाइए आप। दोस्तों आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। तो भाई इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अर्थ, यानी पृथ्वी आपका सही आंसर होगा। पृथ्वी आपका जिनका आंसर पृथ्वी आया तो बहुत सही है भाई, इसका आंसर पृथ्वी हो जाएगा, आपका आंसर पृथ्वी बिल्कुल सही आंसर है। देखो भाई, जो बच्चे स्टार्स यानी जो तारे की साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं खगोल विज्ञान, जो तारे की जो आप स्टडी करते हैं वो खगोल विज्ञान की खगोल विज्ञान में आता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी। उसी प्रकार भूविज्ञान किसकी कैटेगरी में, तो भाई भूविज्ञान यानी पृथ्वी की जो आप स्टडी करते हैं उसको हम भूविज्ञान बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जो आपका भूविज्ञान यानी कि जब स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योलॉजी। ठीक है,
तो भूविज्ञान पृथ्वी की स्टडी को हम बोलते हैं पृथ्वी की स्टडी को भूविज्ञान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे आपका सही आंसर हो जाएगा। SSC MTA 2013 बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, अब देखिए भाई, जैसे आपका थकना है, थकना आपका रिलेट कर रहा है आराम से, उसी प्रकार निर्जल आंखें किससे रिलेट करेगा, निर्जल आंखें किससे रिलेट करेगा बच्चे आपका। SSC MTA 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, SSC MTA 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखो थकना आपका रिलेट कर रहा है आराम से, थकना आंखें रिलेट कर रहा है आराम से, उसी पे का निर्जल आंखें किससे रिलेट करेगा, यानी कि डिहाइड्रेट, यानी जब आप थकते हैं तो भाई आराम करते हैं, उसी पर डिहाइड्रेट होते हैं तो आप क्या करते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं तो भाई क्या करते हैं आप, इसका आंसर भाई जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बच्चे दीजिए आप। जब आपको डिहाइड्रेट होते हैं तो भैया पानी पीते हैं ना, जब डिहाइड्रेशन होते हैं तो पानी पीते हैं, मतलब आपको जब डिहाइड्रेशन होता है तो पानी पीते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे आंसर हो जाएगा, पानी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सुनिए आप अच्छे से, जैसे वीडियो है, वीडियो रिलेट कर रहा है कैसेट को, उसी पे का कंप्यूटर आखिर भाई किसको रिलेट करेगा, कंप्यूटर आखिर किसको रिलेट करेगा, जैसे वीडियो आपका रिलेट कर रहा है कैसेट को, उसी पे कंप्यूटर आखिर भाई किसको रिलेट करेगा, जैसे वो वीडियो होती है ना भाई, वीडियो आपकी कैसेट में रिकॉर्ड होती है, वीडियो आपकी कैसेट में रिकॉर्ड होती है, उसी पे का भाई कंप्यूटर में रिकॉर्ड, कंप्यूटर को आप रिकॉर्ड किस चीज़ में करते हैं, जो कंप्यूटर को रिकॉर्ड करने के लिए आप कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो बच्चे इसका आंसर होगा फाइल, तो आपका आंसर होगा नहीं फ्लॉपी, क्या फ्लॉपी होगा, तो बच्चे फ्लॉपी आंसर हो जाएगा, फ्लॉपी में आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिट भी नहीं होगा ना आपका ऑडिट होगा, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लॉपी का मैं आंसर, आप कंप्यूटर को स्टोरेज कर सकते हैं, फ्लॉपी एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में उपयोग में लाते हैं, ठीक है, जिस प्रकार स्टोरेज फ्लॉपी आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, उसी वजह से आपका कैसेट आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, उसी प्रकार फ्लॉपी आपका स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर में, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका CGL 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। व्यवहार यानी कि बिहेवियर रिलेट कर रहा है आपका साइकोलॉजी से, उसी पर प्लांट आके किससे रिलेट करेगा, यानी कि व्यवहार रिलेट कर रहा है मनोविज्ञान से, उसी पे का पौधा आके किससे रिलेट करेगा, पौधा आखिर किससे रिलेट करेगा, जो वही बिहेवियर आके जो आपका साइकोलॉजी से रिलेट कर रहा है, मतलब जो साइकोलॉजी होती है, जो साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी मतलब जो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, उसको हम बोलते हैं भाई साइकोलॉजी, जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी को क्या बोलते हैं, बिहेवियर के स्टडी को क्या बोलते हैं हम साइकोलॉजी, इसी प्रकार प्लांट की स्टडी को भाई आप क्या बोलते हैं, प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई, तो प्लांट की स्टडी को ऑप्शन में बी यानी कि बॉटनी बोलते हैं, जो स्टडी ऑफ उसी प्रकार भाई प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी में आता है, प्लांट की स्टडी यानी कि वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन में बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अच्छा आपका CGL 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रिलेट कर रहा है ऊर्जा से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी से रिलेट कर रहा है, उसी पर डीएनए आखिर किससे रिलेट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऊर्जा से रिलेट करेगा, उसी पर भाई डीएनए आखिर आपका किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कि जो पावर हाउस होता है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक पावर हाउस होता है सेल का, जिसमें एनर्जी टेक प्लेस होती है, उसी पर डीएनए आखिर किससे रिलेट करेगा, तो भाई डीएनए आपका इनहेरिटेंस का यूनिट होता है, यानी कि उत्तराधिकारी का एक यूनिट होता है डीएनए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चे आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, एक यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, छेनी से काटना, चीसेल रिलेट कर रहा है स्कल्प्टर से, उसी प्रकार हैरो, हैरो आपका किससे रिलेट करेगा, यानी कि छेनी से काटना रिलेट कर रहा है आपका मूर्तिकार से, जिस प्रकार मूर्तिकार छेनी से काटता है, उसी प्रकार ही हैरो के का किससे मतलब है, हैरो का मतलब किससे है, ठीक है भाई,
यहाँ बच्चे टूल्स के लिए टूल्स और वर्कर के बीच की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टूल्स एंड वर्कर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे जो जो आपका छेनी से काटना, मूर्तिकार आपका छेनी से काटता है, ठीक है। जैसे मूर्तिकार का हथियार होता है छेनी, मतलब चैसल, जैसे मूर्तिकार का जो हथियार होता है चैसल, उसी प्रकार भाई बागवान, उसी पर जो बागवानी जो मजदूर होते हैं ना, जो गार्डनर होते हैं, गार्डनर यानी कि बागवान, ठीक है। बागवान का काम होता है क्या करते हैं, हैरो। हैरो मतलब एक वो होता है बच्चे जो पेड़ काटने वाला होता है, लंबी सी कैची टाइप की होती है बड़ी सी, उसको हम पेड़ काटते हैं, उसको हम हैरो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा गार्डनर। तो सीजीएल 2013 बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा आपके रिलेट कर रहा है आपका उपग्रह से, उसी पर पृथ्वी किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, मून इज अ सैटेलाइट, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है उसी पर पृथ्वी आखिर क्या है, पृथ्वी आखिर क्या है, तो पृथ्वी एक प्लैनेट है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सीजीएल 2013 बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मनोविज्ञान रिलेट कर रहा है दिमाग से, जो साइकोलॉजी रिलेट कर रहा है माइंड से, उसी पर अर्थमेटिक आके अंकगणित आपको किससे रिलेट करेगा। जैसे जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान कौन होते हैं, जो दिमाग की रिसर्च करते हैं, यानी कि दिमाग आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसका सब काम होता है मनोविज्ञान का, यानी कि माइंड से रिलेटेड काम होता है मनोविज्ञान का, ठीक है। स्टडी ऑफ माइंड कॉल्ड साइकोलॉजी, ठीक है भाई, समझे ना बात, आप बात को आप समझे हो ना। जो स्टडी ऑफ माइंड होता है उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, उसी पे का अर्थमेटिक आपका होता है, अर्थमेटिक क्या ज्ञान में आता है, नहीं आता है, क्या नंबर में आता है, नहीं आता है, ठीक है भाई। देखिए आप ऑप्शन चार देखिए, ऑप्शन अच्छे देखिए आप, देखो भाई इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नॉलेज है, नॉलेज में अर्थमेटिक थोड़ी ना आता है भाई, अर्थमेटिक यानी कि आपके मैथ में आता है। देखिए आपने अर्थमेटिक आपका होता है सीजन में एडवांस होता है, ये मैथ के पोर्शन है, ठीक है। अर्थमेटिक यानी कैलकुलेटिव वाला पार्ट, ठीक है। तो भाई ज्ञान में नहीं आता है, ये संख्या मतलब इसमें संख्या होती, तो ऑप्शन नंबर बी यानी संख्या में आता है। और हाइट में नहीं आता, हाइट में तो भाई एडवांस मैथ आता है ना, हाइट अगर एडवांस है तो आप हाइट का सोचते भी आप, यानी इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह होता है। और सूत्र में आपका आता है, सूत्र में भी नहीं आता। तो भाई नंबर में आपका आता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बात क्या चल रही है, सुनिए बात। जैसे दिमाग की स्टडी को हम बोलते हैं मनोविज्ञान, उसी प्रकार संख्या की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, अंकगणित, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका SSC कॉन्स्टेबल GD 2013 में अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे भीड़ आपका, भीड़ रिलेट कर रहा है मटन से, जैसे भीड़ आपका रिलेट कर रहा है मटन से, ठीक है। जो आपका बच्चे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, भीड़ आपका रिलेट कर रहा है मटन से, उसी पे का हिरण आपके आपका किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। भीड़, जो भीड़ का मांस होता है उसको हम बोलते हैं भाई मटन, ठीक है, समझना बात आप अच्छे से। भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन, उसी पर हिरण के आप मांस को क्या बोलते हैं, तो भाई हिरण के मांस को क्या बोलते हैं, क्या मीट बोलते हैं, मीट तो नहीं ना बोलता है, उसी पर हिरण, हिरण के मांस को बोलते हैं हिरण का मांस। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सीजीएल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन है मृदा, यानी कि सॉइल रिलेट कर रहा है इरोजन से, सॉइल रिलेट कर रहा है इरोजन से, उसी पर फॉरेस्ट आखिर किससे रिलेट करेगा। इसके लिए बच्चे में आपको 5 सेकंड का टाइम है, तो उसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। आई होप कि भैया इसका सही आंसर आपके आ गया होगा। बच्चे देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ, इरोजन क्या होता है, इरोजन वो होता है जो, इरोजन जो डिस्ट्रॉय करता है सॉइल को, जैसे रेन बाइंड स्ट्रीम्स तना वगैरह में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इरोजन। तो भूक्षरण यानी कि जो मतलब भूमि को बर्बाद करता है, ठीक है, मतलब जो खेती वगैरह सॉइल मृदा को ख़राब करता है, जैसे कि जैसे रेन पानी बरस जाता है, तो जब बाइंड यानी कि धूल वगैरह हवा वगैरह चलती है तो ख़राब कर देता है सॉइल को, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। उसी प्रकार फॉरेस्ट को, जो वन होता है, वन को आपका जंगल को कौन ख़राब करता है, ठीक है भाई,
जंगल को कौन खराब कर रहा है, तो वन कटाई से जंगल खराब हो जाता है। ठीक है भाई, जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट होता है वो आपका होता है डिफॉरेस्टेशन में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका CAPF, SI, CISF, ESI और दिल्ली पुलिस SI में 2014 में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ऐसे CPO में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2014 में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुनिए आप अच्छे से। देखो भाई, विस्मरण रिलेट कर रहा मेमोरी से, अमनेसिया रिलेट कर रहा है मेमोरी से, उसी प्रकार भाई लकवा आके किससे रिलेट करेगा बच्चे, यानी कि जब विस्मरण यानी कि मेमोरी लॉस हो जाए तो मेमोरी, यानी कि भाई अपोजिट वाला वर्ड है यहाँ पर, अपोजिट वाला मीन है जो लॉस ऑफ मेमोरी रिलेट रेफर टू अमनेसिया। ठीक है, जब लॉस ऑफ मेमोरी हो जाए तो आपको इसको हम बोलते हैं अमनेसिया, यानी कि विस्मरण, भूल जाते हैं, यानी कि जो लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस होना, इसको हम बोलते हैं विस्मरण। उसी बार लकवा, लकवा किससे रिलेट करेगा, लकवा आके किससे रिलेट करेगा, क्या टांग से करेगा, भाई टांग से नहीं करेगा, टांग में थोड़ी ना लकवा, लकवा पूरी बॉडी होता है, लकवा जब होता है तो क्या करते हैं, लकवा जब लगता है तो आपकी गति, गति पे इफेक्ट पड़ता है, तो भाई गति पे इफेक्ट पड़ता है, तो ऑप्शन में बी आपका आंसर हो जाएगा, गति आपकी बंद हो जाती है लकवा से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, लॉस ऑफ मूवमेंट आपका हो जाता है लकवा में, लकवा में क्या होता है, लॉस ऑफ मूवमेंट। ये आपका सीजल 2014 में क्वेश्चन अच्छे पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुनिए आप अच्छे से। मैकाबरी यानी कि विभस रिलेट कर रहा है प्यारा से, उसी पे का बच्चे आपका विनाशकारी आके किससे रिलेट करेगा, विनाशकारी आके भाई किससे रिलेट करेगा। ठीक है बच्चे, सीजल 2014 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है बच्चे, अपोजिट वर्ड है, जैसे मैक जो आपका विभस का अपोजिट वर्ड होता है प्यारा, उसी पे का विनाशकारी का अपोजिट वर्ड होता है अहानिकारक, अहानिकारक आपका का अपोजिट वर्ड होता है विनाशकारी के, तो ऑप्शन में ये अच्छा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जनसंख्यिकी विशेषक डेमोग्राफर रिलेट कर रहा है आपका पीपल से, यानी कि जनसंख्यिकी विशेषक रिलेट कर रहा है आपका जन से, उसी पे का टिकट आपका टिकट संग्रह करता है, यानी कि जो आपका फ्लैट लिस्ट होता है वो किससे रिलेट करेगा, यानी कि टिकट संग्रह करता आके किससे रिलेट करेगा। ठीक है भाई, इसका आंसर भैया मुझे कमेंट बॉक्स में, बच्चे इसका देखेंगे, देखते हैं कौन कितने दूर और कौन कितने पानी में, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका सीजल 2014 में बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे खेल आपका रिलेट कर रहा है कलाकार से, उसी प्रकार संगीत गोष्ठी यानी कंसर्ट आके किससे रिलेट करेगा, जैसे जब जैसे जो एक्टर होते हैं, एक्टर प्ले में पार्ट लेते हैं, ठीक है प्ले में पार्ट लेते हैं, उसी प्रकार आपका कंसर्ट आके किससे रिलेट करेगा, कंसर्ट आके किससे रिलेट करेगा। तो जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कंसर्ट आपका म्यूजिकली रिलेट करता है, यानी कि जब कोई सिंगर्स वगैरह आता है तो आप उसमें कंसर्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो जो म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार होते हैं, गाना गाने वाले होते हैं, जो लोग सिंगर होते हैं, तो वो उनका काम होता है, मतलब उनका जो वो जिसमें भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं कंसर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका सीजल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुनिए आप। देखो भाई, जर्मनी रिलेट कर रहा है आपका मार्क्स से, उसी प्रकार मोरक्को आपका किससे रिलेट करेगा। ठीक है भाई, ये बच्चे कंट्री की करेंसी है, ठीक है, जो कंट्री करेंसी रिलेशनशिप जैसा कि मैंने आपको बताया था वो वाला, इसमें रिलेशनशिप आपका लगेगा, कंट्री और करेंसी के भी रिलेशनशिप, यानी कंट्री और करेंसी रिलेशनशिप है आपका, जैसे जो आपकी मार्क है, मार्क आपकी बच्चे जर्मनी की करेंसी है, ठीक है, जो आपकी मार्क है यानी कि जर्मनी की करेंसी है, उसी प्रकार जर्मनी की करेंसी होती है भाई ड्यूट्स मार्क, ड्यूट्स मार्क आपकी होती है जर्मनी की करेंसी, उसी प्रकार बच्चे आपकी जो मोरक्को होती है, मोरक्को जो कंट्री है उसकी करेंसी क्या होती है, तो मोरक्को की कंट्री भाई, मोरक्को की आपकी करेंसी होती है दिरहम,
दिरहम, दिरहम आपकी करेंसी होती है मोरक्को की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है, मोरक्को की आपकी करेंसी होती है दिरहम। जिस प्रकार आपकी ड्यूट्स मार्क की जर्मनी की करेंसी होती है ड्यूट्स मार्क, उसी प्रकार मोरक्को की करेंसी होती है क्या भाई, मोरक्को की करेंसी होती है दिरहम। ठीक है भाई, सी एच एस एल 2014 में क्वेश्चन बच्चे पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सुनिए आप अच्छे से बात को। जो लाल रक्त कोश कणिकाएं होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं रिलेट कर रहा है आपका एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है भाई, एरिथ्रोसाइट से रिलेट कर रहा है आपका, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं रिलेट कर रहा है आपका एरिथ्रोसाइट से, उसी प्रकार वाइट ब्लड सेल आकर किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई, जो आपका रेड ब्लड सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। उसी प्रकार वाइट ब्लड सेल को आप क्या बोलते हैं भाई, वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने ए रहे तो भाई इसका सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ल्यूकोसाइट्स, जो जो आपका वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर बच्चे RBC और WBC की बात चल रही है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। CHSL 2014 बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पोलियो आके रिलेट कर रहा है आपका विषाणु से, पोलियो आपका रिलेट कर रहा है विषाणु से, बच्चे पोलियो आपका रिलेट कर रहा है विषाणु से। उसी प्रकार जो आपका एंथ्रैक्स होता है, एंथ्रैक्स आपका किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। बच्चे इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड टाइम देता हूँ, इसका आंसर भाई जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए आप। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए संदेह रिलेट कर रहा है घृणा से, संदेह आपका रिलेट कर रहा है घृणा से, उसी पर जलना आके किससे रिलेट करेगा आपका, ठीक है, जो आपका संदेह होता है वो घृणा को जगा देता है, उसी पर जलना आके किससे रिलेट करेगा, तो भाई आपका झुलसना, जलना यानी कि झुलसना हो जाएगा, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बच्चे 2014 में पूछा गया है, CHSL 2014 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हृदय रिलेट कर रहा है आपका कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय का जो आपके हार्ट के डॉक्टर होते हैं भाई उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो आपके हार्ट के भी इंडिया के फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर नरेश तिरहान, आपके हार्ट के डॉक्टर हैं वो, जो कि मेदांता के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो भाई जो हार्ट के डॉक्टर हैं वो, ठीक है, तो हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। उसी पर किडनी के डॉक्टर को भाई आप क्या बोलोगे, तो किडनी के डॉक्टर को भाई क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं आप नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी का आपका किडनी के डॉक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ये आपका CHSL 2014 में बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चे अगर आप चाहते हैं आपको मैं रीजनिंग के सारे चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट करा दूँ, कोडिंग डिकोडिंग आपको मतलब क्लासिफिकेशन ब्लड रिलेशन आपको सारा कंप्लीट मैं प्रीवियस पेपर से करा दूँ, आगे ज़्यादा पब्लिकेशन से कंप्लीट करा दूँ, तो उसके लिए आपको बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना होगा, सो डैट कि मैं आपको कंप्लीट वीडियो कंप्लीट चीज़ें करा दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है बच्चे। आपको सारा पेट का कंसेप्ट फ्री में मिल रहा है, आपको कुछ ऐप पर प्रीवियस पेपर आपको सब कुछ कराया जा रहा है, वहाँ पर आपको 1000 रुपये 1200 रुपये पे आपको करना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा, लेकिन बच्चे आपको यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको 1 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखते रहिए बच्चे, है ना, आपको सब कुछ यहाँ फ्री मिल रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डैट कि आपको कोई वीडियो मिस ना आपसे हो सके। और बच्चे अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेस्ट चैनल रहेगा, यहाँ पर आपको फ्री PDF मिल जाएगी इसकी, और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, जो आप 500-1000 रुपये की बुक जो मार्केट से खरीदते हैं ना, वो आपको सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अब आप कहोगे भैया मजाक कर रहे हैं, भैया जाके देखो आप टेलीग्राम चैनल पर आपको सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। और जो नोट्स होते हैं काफ़ी नोट्स होते हैं GS के, काफ़ी अच्छी अच्छी कोचिंग है उनके, आपको नोट्स सब कुछ यहाँ टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे लगे तो आप उसको जीरोक्स निकाल के आप एज ए हार्ड कॉपी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 75वां क्वेश्चन है। 75 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी पे का भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जैसे जिस पे का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, यानी पीटी जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उसी प्रकार फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद कहाँ है, तो भाई ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है ना भाई, क्या आपको कोई तकलीफ है, सब चीज़ आपको समझ में तो आ रही है ना भाई। कोई भी आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, बाकायदा कमेंट करना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ये आपका CHL 2014 में अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 76 वाला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए आप इंटरनेशनल, देखो भाई इंटरनेशनल लिटरेसी दिवस, जो आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 दिसंबर को मनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। उसी प्रकार इंटरनेशनल वुमेन डे आपका कब मनाया जाता है, जो अभी कुछ महीने पहले हुआ है, जो आपका इंटरनेशनल भाई वुमेन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे GS के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आप समझ लो बात अच्छे से। देखो जो बच्चे GS देखिए GS वाले समझिए, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका इंटरनेशनल साक्षरता दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात याद रखने बच्चे, डेट आपकी 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार जो आपका महिला दिवस होता है इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो भाई इंटरनेशनल आपका वुमेन डे आपका मनाया जाता है भाई 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका CHL और 2014 में क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए आप जिस प्रकार रविशंकर का काम, रविशंकर रिलेट कर सितार से, जैसे रविशंकर आपके सितार के बहुत ग्रेट गिटार ग्रेट आपके एक्सपोनेंट ऑफ सितार हैं ये, ठीक है। जो रविशंकर जी थे आपके सितार से मतलब सितार के फेमस पर्सनालिटी थे, ठीक है, रविशंकर आपके सितार बजाते थे। उसी प्रकार बिस्मिल्ला खान आपने उनकी कुछ कविताएं भी पढ़ी होंगी, बिस्मिल्ला खान की किताब में भी नाम पढ़ा होगा, कुछ कहानियां वगैरह थी बिस्मिल्ला की जो कि आपने पढ़ी होंगी। बिस्मिल्ला खान आपके कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे, मतलब बिस्मिल्ला खान कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं, क्या सरोज ऑप्शन नंबर ए या फिर संतूर बजाते थे, या फिर बिस्मिल्ला खान सेनाई बजाते या फिर बांसुरी बजाते, तो भाई ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बिस्मिल्ला खान सेनाई से आपके फेमस हुआ करते थे, ठीक है, सेनाई बजाते थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बच्चे CHSL 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत आपका रिलेट कर रहा है आम, उसी प्रकार न्यूजीलैंड आपका किससे रिलेट कर, जैसे भारत में बच्चे आम होते हैं, भारत आम के लिए फेमस है, भारत किसके लिए फेमस है, आम के लिए। उसी प्रकार न्यूजीलैंड आके किसके लिए फेमस है, न्यूजीलैंड आके भाई किसके लिए फेमस है, तो न्यूजीलैंड भाई आपका किवी के लिए फेमस है। न्यूजीलैंड में ऑप्शन नंबर बी किवी ज़्यादा होती हैं, किवी यहाँ पर फेमस, जैसे भारत में आम फेमस है उसी प्रकार न्यूजीलैंड में किवी फेमस है, तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका CHSL 2014 में अच्छे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मैंने देर की, जैसे क्रिसमस आपका जो है रिलेट कर रहा है किसी दिया नहीं गया, उसी में बिरयानी आके किससे रिलेट करेगा, जैसे क्रिसमस होता है, क्रिसमस किसका त्यौहार होता है, क्रिश्चियन लोगों का होता है, क्रिश्चियन लोगों का होता है, बात ठीक है, क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों का होता है। बिरयानी कौन खाते हैं, मुसलमान लोग खाते हैं। बिरयानी कौन लोग खाते हैं, बिरयानी कब खाई जाती है, जैसे सुनना बात को, देखो देखो जैसे क्रिसमस होता है आपका, जैसे क्रिसमस और ये वाला आपका दिया गया ये वाला बिरयानी, तो आपके बिरयानी कब खाई जाती है, यहाँ त्यौहार के रिलेटेड बात करते हैं, जैसे क्रिसमस आपका क्रिश्चियन का त्यौहार होता है और मुस्लिम बिरयानी, ये बच्चे बिल्कुल सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार क्रिसमस में काजू खाए जाते हैं, बिरयानी राइस में, ये बात भी ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला जोड़ा भी सही नहीं है। जैसे जीसस और रमजान, ये वाला जोड़ा भी सही नहीं है। जिस प्रकार भाई क्रिसमस में केक काटा जाता है, क्रिसमस में केक काटा जाता है, उसी प्रकार ईद उल फितर मतलब मुसलमान का त्यौहार होता है, ईद में बिरयानी खाई जाती है, तो बच्चे ये वाला बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका CHSL 2014 में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा रिलेट कर रहा है समुद्री भय से। जिस प्रकार समुद्री यात्रा आपका रिलेट कर रहा है समुद्री भय से, उसी प्रकार ऊंचाई आखिर किससे रिलेट करेगा, ऊंचाई आखिर किससे रिलेट करेगा। जिस प्रकार समुद्री यात्रा रिलेट कर रहा है आपका समुद्री भय से, उसी प्रकार ऊंचाई भाई किससे रिलेट करेगा। भाई इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड टाइम है, तो इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी भाई फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ये बच्चे आपका CHS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो समुद्री भय होता है, समुद्री भय होता है समुद्री यात्रा से आता है। उसी प्रकार ऊंचाई का आंसर हो जाएगा चक्कर, ऑप्शन नंबर C, टिक्कली ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। बना दिया किए हुए, जैसे तार आपका, जो भाई तार आपका रिलेट कर रहा है वायलिन से, तार आपका स्ट्रिंग रिलेट कर रहा है वायलिन से, उसी प्रकार आपका पियानो आके किससे रिलेट करेगा। ठीक है, जैसे आपका बॉलिंग में जो आपका वायलिन होती है उसमें स्ट्रिंग होती है, उसी प्रकार पियानो में भाई आपका क्या होता है, पियानो में आपका आखिर क्या होता है, पियानो में भाई क्या होता है, तो भाई पियानो में आपका कुंजी होती है, की होती है पियानो में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D पियानो आपका आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड होता है की, यानी कुंजियाँ होती हैं, मतलब पियानो में आप कीबोर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर D आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेम रिलेट कर रहा है चित्र से। जिस प्रकार फ्रेम में चित्र होते हैं, जो फ्रेम रिलेट कर रहा है चित्र से, फ्रेम में आप चित्र लगाते हैं, उसी प्रकार बॉक्स में रिलेट होता है क्या, उसी में चेयर रिलेट टू क्वेश्चन, उसी पर कवर रिलेट टू बुक। जिस प्रकार फ्रेम में पिक्चर होती है, उसी प्रकार कवर बुक पर कवर होता है, तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर C टिक कर लिए, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चे अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइए, आपके कितने के आंसर आ गए, अभी तक मैंने आपको 82 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है भाई, बच्चे मैंने ऐसा बताया आपको, पेन और पेपर लेके बैठी और एक कॉपी बना ली रीजनिंग की, जिसमें अपने आंसर आप चेक कर सकते हैं आपका जोन से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 161 तक आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 161 तक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको क्या करना है वो समझिए आप बात को। ये कॉपी लीजिए, इसमें आप एनालॉजी सिमिलरिटी लिखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर उसका लिखिए, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे करके 161 तक आप कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, पहले आप देखिए, मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए वीडियो बच्चे पॉज कर लीजिए, फिर आप उसके लिए वीडियो देखिए पहले, लेकिन खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इससे बच्चे की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, यकीन मानिए आप। देखो अब आपका इसका कौन सा ऑप्शन ए आ रहा है, तो जैसे अगर ए क्वेश्चन आपका आ रहा है, सपोज डैट मान के चलो ए आ रहा है, और मैंने आपको बताया ए आपका सही है, ठीक है, आपने कर दिया ये आपका सही है, तो आप इसको आगे टिक कर लो, और अगर गलत है और तो इसको आप गलत टिक कर दो, ठीक है, इसको गलत कर दो। उसी प्रकार का आपका बी है, सेकंड का ऑप्शन आपका सी आ रहा है, सपोज डैट ये आपका गलत, तो आप ऐसा टिक कर लो। फिर लास्ट में बच्चे 161 क्वेश्चन में आपके कितने आपके सही हो रहे हैं आप वो चेक कर सकते हैं। तो बच्चे ये बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस करने के लिए, आपको यहाँ पर कोई भी मतलब आपको वही बात है ना, यहाँ आपको फ्री कंटेंट बच्चे, यहाँ पेड से ज़्यादा अच्छा आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आपको बच्चे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहा है, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आप यकीन मानिए बच्चे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप CGL का CHS कोई भी आप एग्जाम देने जाएँ, रीजनिंग बच्चे 50 में 50 मार के आएंगे, मेरी पूरी गारंटी आपके लिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे बिहू आपका असम का त्यौहार होता है, जैसे बिहू होता है ना, जो बिहू होता है असम में सेलिब्रेट होता है, जो असम का जो फेमस त्यौहार होता है उसको हम बोलते हैं बिहू, ठीक है भाई। जैसे बिहू आपका असम में सेलिब्रेट होता है उसी पे का ओनम आपका कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, जो ओनम होता है फेस्टिवल वो कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ओनम भाई आपका केरला का त्यौहार होता है, तो ऑप्शन नंबर B आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 2014 में पूछा गया LDC, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बिना देर किए हुए, मोतियाबिंद रिलेट कर रहा है आँख से, उसी पे का निमोनिया आखिर किससे रिलेट करेगा। जब आँख में प्रॉब्लम होती है तो आप मोतियाबिंद आपको हो जाता है, उसी पे का निमोनिया आपका किससे रिलेट करेगा, निमोनिया आखिर किससे रिलेट करेगा। जैसे आपका मोतियाबिंद आँख पर इफेक्ट करता है, उसी पे का निमोनिया आखिर किस पर इफेक्ट करता है, तो निमोनिया आपका लंग्स पर इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई।
ये आपका चेस LDC 2014 में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे भेल आपका एलिट कर रहा है आपका स्तनपाई से, जैसे भेल आपका यानी कि भेल मछली एलिट कर रहा है मैमल से, उसी प्रकार टर्टल आपका किससे एलिट करेगा। जैसे भेल मछली आपका एलिट कर रहा है स्तनपाई से, उसी प्रकार कछुआ आके किससे एलिट करेगा, ठीक है। भेल आपकी जो भेल मछली वही मैमल की मैमल्स की कैटेगरी में आती है, उसी पर कछुआ आपकी किसकी कैटेगरी में आता है, तो वही कछुआ आपकी आता है रेप्टाइल की कैटेगरी में। ऑप्शन में बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी कछुआ मतलब रेंगता है, तो कछुआ आपकी रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन में बी बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बच्चे क्वेश्चन SSC CSSL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, आँख आपका रेड कर रहा है किससे, ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर से आप सुनिए, जो आँख है आँख किससे रिलेट करेगा, ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट। उसी पर संगीत आपका किससे रिलेशन होगा, संगीत का, तो भाई संगीत का किससे रिलेशन होगा, संगीत का रिलेशन आपका हो जाएगा भाई संगीतकार से, ठीक है। जैसे आँख का रिलेशन होता है आपका ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट से होता है, उसी पर संगीत का रिलेशन होता है संगीतकार से, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आँख का रिलेशन होता है ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट से, उसी पे का संगीत का रिलेशन आपका संगीतकार से होता है। ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट का रिलेशन आँख से होता है, उसी पे संगीत का रिलेशन संगीतकार से होता है। बच्चे जो आपका CPU 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसे यार्ड का रिलेशन होता है इंच से, यार्ड इज रिलेटेड टू इंच, उसी पे का क्वार्ट्स आपके आके किससे रिलेट करेगा। जिस पे का यार्ड आके रिलेट कर रहा है इंच से, उसी पे क्वार्ट्स आके किससे रिलेट करेगा, तो क्वार्ट्स भाई सुनिए आप बात अच्छे से। बच्चे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के में आपको 5 सेकंड टाइम है, तो उसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। जो इंच होता है बच्चे, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लेंथ का, इंच आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लेंथ का यार्ड से, ठीक है। उसी प्रकार जो क्वार्ट्स है आपका, जो क्वार्ट्स होता है स्मॉल ओंस, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ओंस। ओंस यानी कि जो वॉल्यूम का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है ये ओंस, ठीक है, 10 क्वार्ट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका अच्छे सही आंसर हो जाएगा, जी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सुनिए बात अच्छे से। जैसे कीटनाशक रिलेट कर रहा है आपका फसल से, उसी पे का बच्चे आपका रोगाणु निरोधक आके किससे रिलेट करेगा। जो कीटनाशक दवाइयाँ आप फसल में उपयोग में लाते हैं, उसी प्रकार रोगाणु निरोधक आप किस में, एंटीसेप्टिक का प्रयोग हम किस में लेते हैं, ठीक है भाई। बहुत इजी सवाल है, इजी क्वेश्चन है ये। जिस प्रकार हम कीटनाशक फसल के उपयोग में लाते हैं, उसी प्रकार एंटीसेप्टिक मतलब फसल के लिए उपयोग में लाने वाली दवाई होती है कीटनाशक, उसी प्रकार एंटीसेप्टिक का प्रयोग आप किस लिए लाते हैं। एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती हैं या फिर दवाइयाँ होती हैं, उनका प्रयोग आप किस चीज़ में आते हैं, तो भाई आप घाव के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ क्वेश्चन होते जा रहे हैं, तो आपको केयरफुल रहना है, आपको क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है, घबराना नहीं है। जितने बच्चे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप क्वेश्चन सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। जैसे कि आशावादी रिलेट कर रहा है आपका हर्षवादी से, जो आशावादी रिलेट कर रहा है हर्षवादी से, जो ऑप्टिमिस्ट होता है भाई, ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है, ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है जो हमेशा होपफुल मतलब आशा रखता है, ठीक है, मतलब हमेशा ऑप्टिमिस्ट आदमी मतलब हमेशा मतलब होप रखता है कि अच्छा होगा और हमेशा ट्राई करता रहता है, ठीक है, अपना बेस्ट देता रहता है, अल्टीमेट सभी चीज़ों में अपना बेस्ट देता रहता है। आशावादी रिलेट कर रहा है आपका हर्षवादी, उसी प्रकार निराशावादी आके किससे रिलेट करेगा, तो भाई निराशावादी आपका दुखी से रिलेट करेगा। आशावादी आदमी होता है जो ऑप्टिमिस्ट आदमी चेयरफुल होता है, उसी पर निराशावादी आदमी होता है वो होता है आपका दुखी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन में ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में ये दुखी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका CGL 2016 में अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। जैसे खिलाड़ी है, खिलाड़ी रिलेट कर रहा है
टीम से उसी पे का मंत्री आके किससे रिलेट करेगा, जैसे समझिए बताओ अच्छे से, जो खिलाड़ी है टीम में खेलता है उसी पे मंत्री का काम क्या होता है, खिलाड़ी आपका टीम में खेलता है उसी पे का जो जो प्लेयर होता है वो टीम का मेंबर होता है उसी पे का मंत्री आपका किसका मेंबर होता है, मंत्री आके किसका मेंबर होता है, तो मंत्री आपका सेना का मेंबर होता है, तो भाई सेना का मेंबर नहीं होता है क्या, मंडली का मेंबर होता है क्या, मंडली का मेंबर होता है, मंडली का मेंबर नहीं होता, मंडली का मेंबर थोड़ी ना होता है मंत्री, क्या परिषद का मेंबर होता है, तो भाई परिषद का मेंबर जरूर मंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंत्री आपका परिषद का मेंबर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं मंत्री, ठीक है। तो एसएससी सीएचएस 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2017 में बच्चे क्वेश्चन आया है आपका ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 91 वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, जैसे होंठ आपका रिलेट कर रहा मुस्कान से, जब आपके होंठ रिलेट कर रहा मुस्कान से उसी पे का आंखें आंखें किससे रिलेट करेगा, आंखों आंखें आंख जो आपका किससे रिलेट करेगा, ठीक है। जैसे आपका होंठ आपका मुस्कान से रिलेट कर रहा उसी प्रकार जो भाई आपका जो आँखें मतलब जब आपके होंठ होते तो हम मुस्कुराते हैं, ठीक है, मतलब होंठ का काम क्या होता है, मुस्कुराना होता है। उसी प्रकार आँखों का काम क्या होता है, आँखों का क्या काला होता है, काला नहीं होता है। झपकी आपके आपकी झपकती है ना आपकी आँखें, आपको नींद आती है आपकी आपकी झपकती रहती है, ओठ है आपको मुस्कान आती रहती है, ओठ का काम क्या होता है, मुस्कान देना। उसी प्रकार बच्चे आँखों का काम होता है झपकी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है झपकी। ये आपका बच्चे CHSL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, बिना देर किए हुए अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त रिलेट कर रहा है खाली से, मतलब वैकेंट और रिलेट कर रहा है एम्प्टी से, मतलब इक्वल है ये बोलता है एक दूसरे के सिनोनियम है। उसी पर अकाल आखिर किससे रिलेट करेगा, अकाल आखिर किससे रिलेट करेगा, जिस प्रकार रिक्त आपका खाली से रिलेट कर रहा है उसी पर अकाल किससे रिलेट करेगा, अकाल किससे रिलेट करेगा बच्चे, सिनोनियम से एक दूसरे के मैं आपको किसी बताना चाहता हूँ। देखो भाई अकाल आखिर किससे रिलेट करेगा, तो भाई अकाल आपका रिलेट कर जाएगा क्या ढलना से रिलेट करेगा, ये नहीं करेगा। अकाल यानी कि अल्पता यानी कि स्केयरसिटी, स्केयरसिटी कोई भी चीज़ की स्केयरसिटी हो सकती है, पानी का अकाल आ सकता है, खाने का अकाल आ सकता है, किसी भी चीज़ का अकाल आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, स्केयरसिटी आंसर आपका हो जाएगा। ये बच्चे आपका CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे आपको ये लॉजिक लगाना तभी बच्चे आपका काम बन पाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि देखिए एनालॉजी और सिमिलैरिटीज हमेशा तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीन और चार का एग्जामिनर पूछ लेता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो एनालॉजी सिमिलैरिटी बहुत ईजी पोर्शन होता है, बहुत स्कोरिंग पोर्शन होता है, जिसमें आप ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चे आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्टूडेंट यू मेक परफेक्ट। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अमीटर रिलेट कर रहा है विद्युत प्रवाह से, जिस प्रकार करंट को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार इन दोनों को मापने के किसका किससे रिलेशन होगा, मतलब स्केल को मापने के लिए क्या स्पीड का प्रयोग करते हैं, क्या स्पीड स्केल से मापी जाती है, क्या आपके हिसाब से स्पीड स्केल से मापी जाती है क्या, या फिर जो आपका सिस्मोग्राफ डेंसिटी को मापने के लिए आपके सिस्मोग्राफ का प्रयोग लगाते हैं, ये भी नहीं है, ये बात भी गलत है भाई। क्या बैरोमीटर का प्रयोग आप मास के लिए उपयोग करते हैं, क्या मास मापने के लिए भाई बैरोमीटर का लाते हैं, ये बात भी गलत है भाई। आप नीचे चलो डी वाला ऑप्शन देखो भाई, क्या बाइंड जो आपकी वायु है वायु बाइंड को मापने के लिए आप एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, बाइंड को मापने के लिए आप एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चे आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, जो एनीमोमीटर होता है बच्चे स्पीड ऑफ बाइंड को मेजर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेशर रिलेट कर रहा है बैरोमीटर से, जिस प्रकार जो आपका प्रेशर है बैरोमीटर प्रेशर नापता है उसी प्रकार ऑडोमीटर का काम क्या रहता है, ठीक है। जो आपका ऑडोमीटर होता है वो क्या मापता है, इसके लिए बच्चे आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, साथ साथ आपको 10 सेकंड का 5 सेकंड टाइम दिया जाता है। इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बच्चे दीजिए, आपका क्या आंसर आया जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। चलो भाई इसका सही आंसर बच्चे होगा, जैसे कि दाब को मापने के लिए आप वायु दाब मापी का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बच्चे आप मील मापी
किससे मापते हैं, मील मापी को प्रयोग करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, मील मापी आप किससे मापते हैं, तो भाई मील माप दूरी, दूरी है मील यानी कि दूरी, दूरी को मतलब मील मापी दूरी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डिस्टेंस को मापने के लिए आपका ऑडोमीटर का प्रयोग लाया जाता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका सीजल 2017 में अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवित आपका रिलेट कर रहा है मृत्य से, बच्चे अपोजिट है, उसी का प्रश्न आपका रिलेट करेगा किससे, जिस प्रकार जीवित रिलेट कर रहा है मृत्य से, मतलब जीवन, जीवन यानी कि मरना, जीवन अपोजिट है मृत्य से, ठीक है, उसी का प्रश्न आपका ये अपोजिट बच्चे एक दूसरे के, जिस प्रकार प्रश्न आपका रिलेट करेगा किससे, तो भाई प्रश्न आपका किससे रिलेट करेगा, प्रश्न रिलेट करेगा उत्तर से, मतलब प्रश्न का अपोजिट क्या होगा, उत्तर होगा, प्रश्न का अपोजिट क्या होगा, उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न का अपोजिट उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, जिस प्रकार जीवित, जीवित का अपोजिट हो जाएगा मृत, उसी प्रकार प्रश्न का अपोजिट हो जाएगा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ये बच्चे CHSL 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए, जैसे रात, रात आपका रिलेट कर रहा है सितारे से, रात में आपके सितारे होते हैं जैसे स्टार्स आपके नाइट में निकलते हैं, उसी प्रकार दिन में आपके क्या निकलता है, दिन में आपका क्या निकलता है, तो भाई दिन में आपका क्या सूर्य निकलता है, क्या नीला निकलता है, क्या काम निकलता है, या फिर क्या ग्रह निकलते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर बच्चे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बच्चे आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो भाई इसका आंसर आपका हो जाएगा सन, ऑप्शन नंबर ए आपका सन बच्चे आंसर हो, जैसे आप सूर्य, आप जो सन आप दिन में देखते हैं, उसी प्रकार सितारे आप रात को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चे सही आंसर हो जाएगा, ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाइट, भाइट रिलेट कर रहा है आपका कॉटन से, जिस प्रकार भाइट, जिस प्रकार भाइट आपका रिलेट कर रहा है कॉटन से, उसी प्रकार कोल आपका आके किससे रिलेशन कोल का दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जो आपका कॉटन होता है वो भाइट होती है, जैसे जो भाई भाई कॉटन आपकी भाइट सफ़ेद कलर की होती है, उसी प्रकार कोल आपका कौन से कलर का होता है, कोल आपका भाई क्या जो कोल कौन से कलर का होता है, कोल भाई आपका काला होता है, कोयला आपका काला कलर का होता है ना, कोयला आपका काला कलर का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका सीजल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। इतने सरल सरल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप गलत कराते हैं बच्चे। चलो भाई अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे ऊर्जा रिलेट कर रहा है बॉट से, उसी प्रकार भाई आपका किसका, इन दोनों का किससे किससे रिलेशन होगा, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन कैसे क्या होगा, जैसे ये बच्चे यूनिट वाले क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट वाले, जैसे पावर की ऐसा यूनिट होती है बॉट, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है बॉट, बॉट ऐसा यूनिट होती है पावर की, ठीक है, उसी प्रकार प्रेशर की, क्या प्रेशर की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, क्या प्रेशर की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, भाई प्रेशर की ऐसा यूनिट न्यूटन नहीं होती है, फोर्स की पास्कल होती है, क्या फोर्स की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, तो भाई फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, पास्कल कहाँ से आती है, उसी प्रकार रेजिस्टेंस की म्यू होती है, तो म्यू नहीं होती है रेजिस्टेंस, उसी प्रकार बल्क की बच्चे, बल्क की ऐसा यूनिट आपकी जूल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार ऐसा यूनिट वाला ही क्वेश्चन है, बल्क की ऐसा यूनिट वॉट होती है, उसी प्रकार बच्चे बल्क की ऐसा यूनिट जूल होती है। बच्चे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सीजीएल 2017 में पूछा गया है, 2019 के भी दो तीन सेटों में क्वेश्चन पूछा गया, CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी क्वेश्चन पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बल्क की ऐसा यूनिट आपकी जूल होती है, ऐसा यूनिट से हमेशा एक क्वेश्चन का भी कई सेटों में एक एक क्वेश्चन ऐसा यूनिट से पूछा जाता है, तो ऐसा यूनिट के बच्चे आप क्वेश्चन जरूर एग्जाम में करके जाइए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई बिना देर किए, अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार येलो आपका रिलेट कर रहा है लेमन से, उसी प्रकार पर्पल आके किससे रिलेट करेगा, जैसे जो आपका निब्बू होता है वो पीला कलर का होता है, निब्बू आपका पीला कलर का होता है, उसी प्रकार पर्पल यानी कि जो बैगनी, बैगनी कलर का क्या होता है भाई, बैगनी कलर का सेब होता है, सेब लाल कलर का होता है, ब्रंजल यानी कि भटा आपका बैगनी कलर का होता है, क्या क्या बैगनी कलर का भाई आपका भटा, भटा आपका बैगनी कलर का होता है ना, बैगन आपका बैगनी कलर का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ब्रंजल आपका आंसर हो जाएगा, बैगन। बच्चे आपका CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जी, आपका ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है CGL 2017 प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब यहाँ पर 2017 जो आपको बच्चे दिख रहे हैं 2017 में पूछे गए हैं, मतलब हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं लगभग 13-14 शिफ्ट होती हैं, उनमें सबों में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सब सेटों में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने आपको इसमें बताए हुए हैं, लगभग 87 शिफ्ट होती थी पहले, तो 87 शिफ्ट के सारे 87 क्वेश्चन मैंने आपको CGL प्री के बताए हैं 2017 के। ठीक है,
अब देखो, जैसे एक कार रिलेट कर रही रोड्स पर, उसी प्रकार सिप, जैसे कार आपका चलती है रोड पर, जैसे एक कार आपकी रोड पर चलती है, उसी प्रकार सिप आपका जहाज, समुद्री जहाज कहाँ चलता है, समुद्री जहाज कहाँ चलता है। बच्चे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जैसे आपकी कार यानी कि गाड़ी आपकी सड़क पर चलती है, गाड़ी आपकी कार यानी कि रोड पर चलती है, उसी प्रकार सिप आपका जहाज, समुद्री जहाज कहाँ पर चलता है, समुद्री जहाज कहाँ चलता है, तो समुद्री जहाज आपका पानी में चलता है, तो ऑप्शन नंबर ए जहाज आपका पानी में चलता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाटर आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे आई होप कि आपको कोई भी तकलीफ ना हुई हो, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आ गए हों, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर आपका वाटर हो जाएगा। दोस्तों 101 वाला हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने रहा है, ये वाला देखो, गोइटर रिलेट टू आयोडीन यानी कि घेंगा आयोडीन से रिलेट कर रहा है, उसी पे अगर आपका एनीमिया किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। तो एनीमिया आपका किससे रिलेट करेगा, जैसे गोइटर आपका जो रिलेट कर रहा है वो आयोडीन से रिलेट कर रहा है भाई, उसी पे का एनीमिया आखिर आपका किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। बच्चे इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड टाइम देता हूँ, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके दीजिए, इसका आपका क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करके अपना इसका आंसर दीजिए। देखो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे देखो, जो आयोडीन की कमी के कारण होती है गोइटर डिसीज, ठीक है भाई, आयोडीन की कमी के कारण गोइटर होती, उसी प्रकार आयरन की कमी के कारण एनीमिया होती है, आयरन की कमी के कारण क्या होती है एनीमिया, तो आयरन आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जी आपका CGL 2017 में वाला क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है देखिए। आप देखो किलोमीटर रिलेट कर रहा है आपका मीटर से, उसी पे का 10 आखिर आपका किससे रिलेट करेगा, जिस पे का बच्चे किलोमीटर आपका रिलेट कर रहा है मीटर से, उसी पे का 10 आपका आखिर किससे रिलेट करेगा, ठीक है ना भाई। बच्चे इसके लिए चार ऑप्शन दिए जाते हैं, आपका CGL 2017 में वाला क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL 2017 में आ चुका है। बच्चे आई होप क्या उसका सही आंसर आ गया होगा। देखिए जो मीटर होती है सब यूनिट होती है किलोमीटर की, जो मीटर होती है सब यूनिट होती है किलोमीटर की, उसी प्रकार बच्चे जो टन की जो सभी यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, ठीक है, टन की सभी यूनिट होती है किलोग्राम, तो आपका बच्चे इसका किलोग्राम आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। अब पंचांग रिलेट कर रहा है आपका तिथि से, उसी प्रकार भाई सूची आखिर आपका किससे रिलेट करेगा, सूची आखिर आपका किससे रिलेट करेगा, जिस प्रकार कैलेंडर रिलेट कर रहा है तिथि से, उसी प्रकार सूची आखिर इंडेक्स किससे रिलेट करेगा आपका, ठीक है भाई। तो इंडेक्स किससे रिलेट करेगा, जैसे आपका डेट आपकी होती है पंचांग में, ठीक है, जो डेट होती है वो पंचांग में होती है, उसी प्रकार सूची आपकी किस में होती है, ठीक है ना भाई, सूची आखिर आपकी किस में होती है, जिस प्रकार कंटेंट पंचांग आपका रिलेट कर तिथि से, उसी प्रकार सूची बच्चे आपका रिलेट करेगा कंटेंट से, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कंटेंट, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका कंटेंट आपका सही आंसर है, विषय वस्तु। ये आपका क्वेश्चन CGL 2017 में आ चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कनाडा रिलेट कर रहा है आपका ओटावा से रिलेट कर रहा है, उसी पे का कनाडा, बच्चे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ओटावा है वो है कनाडा की कैपिटल, ओटावा कनाडा की कैपिटल, उसी पे का ये कैपिटल वाला क्वेश्चन है, उसी पे का इजिप्ट की कैपिटल या कैरियो होगी, या फिर नॉर्वे रिलेट करेगा हार्वेन से, या फिर फ्रांस रिलेट करेगा रोम से, या फिर केन्या रिलेट करेगा तेहरान से। तो बच्चे इन चार में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बच्चे कैपिटल वाला क्वेश्चन है, कैनेडा की कैपिटल होती है ओटावा कनाडा की कैपिटल है, ठीक है, उसी प्रकार इजिप्ट की कैपिटल है आपका कायरा आपकी इजिप्ट की कैपिटल है, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ये CGL 2017 में बच्चे क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, फायर रिलेट कर रहा है आपका बर्न से, मतलब फायर अग्नि यानी कि जलाना, ठीक है, फायर आपका अग्नि रिलेट कर रहा है जलाना से, उसी प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर सी है आइस रिलेट टू फ्रीज, मतलब बर्फ का जमना, जिस प्रकार अग्नि का होता है जलाना, उसी प्रकार बर्फ का होता है जमना, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, ये हॉकी आपका रिलेट कर रहा है स्टिक से,
उसी प्रकार बॉक्सिंग आप किससे खेलते हैं। जैसे कि बच्चे आप जो हॉकी आप स्टिक से खेलते हैं, उसी प्रकार बॉक्सिंग के लिए आप कौन क्या उपयोग करते हैं, तो बॉक्सिंग आप ग्लोव्स पहन के खेलते हैं, तो ग्लोव्स ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, देखिए हार्ट रिलेट कर रहा है ऑर्गन से, जिस प्रकार जो आपका हृदय है हृदय रिलेट कर रहा है अंग से, उसी प्रकार बच्चे इन दोनों में से आखिर क्या होगा। जिस प्रकार जो आपका जो हार्ट होता है बॉडी का ऑर्गन होता है, ठीक है भाई, ऑर्गन और बॉडी होता है, उसी प्रकार इनमें से आखिर कौन सा ऑप्शन होगा। बोन्स कैल्शियम होगा, ये नहीं होगा भाई। आई, जो आई है आई भी आपका ऑर्गन है, आँखें आपका अंग है, ठीक है, तो आपका ए बी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार बच्चे आपका हृदय आपका एक बॉडी का अंग है, उसी प्रकार आई भी आपकी एक बॉडी का अंग है, आंखें भी आपकी बॉडी के एक अंग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ये है, एम्पियर रिलेट कर रहा है आपका विद्युत प्रवाह से, एम्पियर रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, उसी पे का फैदम की आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ठीक है, फैदम किसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है भाई। बच्चे आई होप कि आपको इसका सही आंसर हो गया हो। तो बच्चे डेप्थ ऑफ वाटर यानी कि जल की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए फैदम का उपयोग करते हैं, मतलब वो आपकी ऐसा यूनिट होती है फैदम, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। जो फैदम एक यूनिट होती है जिसमें हम मीजर करते हैं, मतलब नापते हैं डेप्थ वाटर की डेप्थ, ठीक है, जल की गहराई, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन वही चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैथमेटिक्स रिलेट कर रहा है फॉर्मूला, जिस प्रकार मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं उसी प्रकार केमिस्ट्री में भाई आपका क्या होता है। तो केमिस्ट्री में आपका भाई रिएक्शन होती है, जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है, जैसे C6H12O6, मतलब वही केमिस्ट्री पूरा रिएक्शन का जाता है, पार्ट होता है रिएक्शन का, ठीक है, तो केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लीजिए। ये आपका सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो आपको मैंने बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 110वां क्वेश्चन क्या है, बार्क भौंकना, कुत्ता जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है उसी प्रकार चिड़िया का क्या होता है, चिड़िया कौन सी प्रतिक्रिया देती है, चिड़िया काम क्या है, जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है उसी प्रकार चिड़िया क्या करती है, चिड़िया चिड़चिड़ाती है, चू 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 करती है, ठीक है ना भाई। तो 110 का डी यानी कि चर्प, चिड़िया की साउंड होती है चर्प, जो आपका सीजीएल 2017 में अच्छे क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, जिस प्रकार पुस्तक में पन्ने होते हैं, उस प्रकार महाद्वीप किस में होता है, जिस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों पुस्तक में आपके पन्ने होते हैं उस प्रकार महाद्वीप किससे रिलेट करेगा। इसके लिए बच्चे मैं आपको 5 सेकंड टाइम देता हूँ, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया हो। जिस प्रकार जैसे बच्चे जो कलेक्शन ऑफ पेज होता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं पुस्तक, ठीक है, ठीक है भाई। जो आपका कॉन्टिनेंट होता है, एक कॉन्टिनेंट आपका होता है एक अर्थ का पार्ट होता है, ठीक है भाई, एक अर्थ का एक मतलब पृथ्वी का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंट्री आपकी कंसिस्ट करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, भीड़ आपका मेमना, जिस प्रकार भीड़ आपका मेमता है उसी प्रकार गाय का काम क्या है, गाय का साउंड क्या है, गाय क्या करता है आखिर, ठीक है भाई। जिस प्रकार बच्चे आपका भीड़ मेमता है उसी प्रकार गाय आपका आखिर कौन सा साउंड, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए भाई, देखो यहाँ बच्चे साउंड वाला क्वेश्चन नहीं, देखो जिस प्रकार सीप रिलेट कर रहा है लैम्प से उसी प्रकार काउ आपका किससे रिलेट करेगा। बच्चे बच्चों वाला है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब बच्चों वाला है, मतलब सीप के बच्चे को बोलते हैं लैम्प, उसी प्रकार काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ साउंड वाला नहीं है बच्चे, साउंड वाला दूसरा क्वेश्चन है आगे आपका, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर सीप आखिर जो आपका जो सीप है, मतलब जो भेड़ के बच्चे को लैम्प बोलते हैं उसी प्रकार काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो काउ के बच्चे को भाई आप बोलते हैं क्या, बछड़ा,
कल्फ यानी कि बच्चा, ऑप्शन नंबर सी आप टिकल दी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन वही चलते हैं बिना देर किए हुए। केला, केला रिलेट कर रहा है आपका फल से, उसी प्रकार अदरक आके किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। जिस प्रकार केला रिलेट कर रहा है आपका फल से, उसी प्रकार अदरक आकर आपके आखिर किससे रिलेट करेगा। देखिए केला फल की कैटेगरी में आती है, तो भाई अदरक आके आपकी किसकी कैटेगरी में आती है, क्या रूट की कैटेगरी में आती है, क्या फ्रूट की कैटेगरी में आती है, क्या फ्लावर या फिर स्टीम, किसकी कैटेगरी में आती है भाई। इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो अदरक होता है मेरे प्यारे भाई बच्चों, अदरक आपका एक जड़ होता है, रूट यानी कि अदरक एक आपका जड़ होता है, जड़ से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो फ्रॉग है मेंढक रिलेट कर रहा है आपका किससे, ओपेचल से, उसी पे का चिपकली आकर आपका किससे रिलेट करेगा, यानी कि फ्रॉग आपका एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है। फ्रॉग आपका किसकी कैटेगरी में आता है, एम्फीबियन की। उसी पे का लेजर्ड यानी कि छिपकली भाई किसकी कैटेगरी में आती है आके, मेंढक एम्फीबियन की कैटेगरी में आती है, छिपकली भाई किसकी कैटेगरी में आती है, छिपकली आपकी आती है रेप्टाइल की कैटेगरी। तो 114 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बच्चे सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, फादर रिलेट कर रहा है पेरेंट्स से, उसी प्रकार सिस्टर आगे किससे रिलेट करेगा। जैसे पापा हैं, पापा पेरेंट की कैटेगरी में आते हैं, पापा मम्मी आपकी पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, उसी प्रकार बहन आपकी आगे किसकी कैटेगरी में आती है, बहन आके किसकी कैटेगरी में आती है, तो बहन आपकी भाई, बहन आपकी सिबलिंग की कैटेगरी में आती है, सहोदर की कैटेगरी में बहन आपकी आती है, ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, कार्यालय रिलेट कर रहा है सहकर्मी। जिस प्रकार ऑफिस में कलीग काम करते उसी प्रकार घर में कौन काम करता है भाई। जिस प्रकार कार्यालय में सहकर्मी काम करते तो घर में भाई कौन काम करता है, घर में कौन काम करता है, तो घर में आपकी फैमिली काम करती है। घर में आपकी आराम तो होता नहीं है, ना वर्क होगा काम, फ्रेंड भी आपका, फ्रेंड थोड़ी ना आपके घर पे काम करेगा भाई, फ्रेंड आएगा ऐसा थोड़ी ना भाई, फ्रेंड आ जाएगा आपके, इतना अच्छा फ्रेंड तो है नहीं है जो आपका फ्रेंड रोज़ घर का काम करेगा। अब ऑप्शन नंबर डी यानी कि फैमिली, मम्मी आपकी काम करेंगी या बहन काम करेंगी, मतलब फैमिली मेम्बर काम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीभ रिलेट कर रहा है स्वाद से। जिस प्रकार टंग आपका रिलेट कर रहा है स्वाद से, मतलब जीभ, जीभ क्या करता है, प्रतिक्रिया स्वाद देता है, उसी प्रकार नाक का काम क्या होता है, जीभ से आपको स्वाद मिलता है, उसी प्रकार नाक से क्या मिलता है आपको भाई, नाक से आपको क्या मिलता है, गंध मिलती है, मतलब खुशबू बदबू सब आपको नाक से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री, उसी पर इक्वलेटेड ट्रायंगल कौन सी डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना भाई, स्क्वायर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी पर एक्यूलेटर ट्रायंगल आके कितने डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छे इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड टाइम देता हूँ, उसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। जिस प्रकार बच्चे स्क्वायर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी पर एक्यूलेटर ट्रायंगल आपका 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। 60 डिग्री के आपके एक्यूलेट ट्रायंगल एंगल बनाती है। इसका एरिया ऑफ एक्यूलेट ट्रायंगल क्या होता है आपका, √3/4a² मैथ के लिए, अगर मैथ के लिए बता दूँ, √3/4a² इसका फॉर्मूला होता है, और ये 60 डिग्री आपका एंगल बनाता है एक्यूलेट ट्रायंगल। बच्चे आपको ऑप्शन नंबर बी आपका 60 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझिए बात को अच्छे से। जो होप है, होप रिलेट कर रहा है डेस्पायर से, उसी पे का ल्यूनेटिक यानी कि आशा रिलेट कर रहा है निराशा से। आशा का अपोजिट वर्ड निराशा, आशा का विपरीत वर्ड क्या है निराशा, उसी पे पागल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, पागल का अपोजिट वर्ड ईमानदार होगा, नहीं होगा भाई, परिश्रमी होगा, नहीं होगा भाई, समझिए ना बात आपको। क्या विचारशील होगा, तो भाई विचारशील बिल्कुल हो जाएगा, विचारशील यानी कि सेन, इसका विचारशील बिल्कुल हो जाएगा, या फिर सजीला, सजीला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, स्कूल रिलेट कर रहा है टीचर। जिस प्रकार स्कूल में टीचर होता है, उसी प्रकार कोर्ट आपका, ये बच्चे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जिस प्रकार स्कूल टीचर स्कूल में होता है, उसी प्रकार कोर्ट में आपका कौन होता है, वकील होता है, ठीक है ना भाई। तो 120 का ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, प्रोडक्ट रिलेट टू मल्टीप्लीकेशन। जिस प्रकार जो प्रोडक्ट होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, मतलब दो अंकों का प्रोडक्ट, जैसे 1 × 2
टू होता है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मतलब दो नंबर के प्रोडक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मतलब सम, सम को क्या बोलते हैं सम, यानी कि क्या होता है सम, यानी कि प्लस करना, ऐड करना, दो अंकों के नंबर को बोलते हैं हम सम, ठीक है, यानी कि वन प्लस वन टू होता है, ठीक है। तो इसमें सम में क्या होता है भाई, सम में आपको ऑब्वियसली ऐड होता है, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ऐड, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे, इतने सरल क्वेश्चन आपके सीजल 2017 में आए हैं और आप गलत कर आते हैं, तो बच्चे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, इससे बार आपका ये क्वेश्चन भी नहीं आता है, हमेशा क्वेश्चन यहीं से आपके रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, तैरना रिलेट कर रहा है आपका पानी से। और बच्चे इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। वहाँ पर आपको इसके अलावा आपको वहाँ मिलेगा कि आप भी सुनिए, आपको फ्री PDF मिल जाएगी यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ। इसके अलावा जो आप क्लास नोट्स, आपको बहुत ही अच्छे से टीचर्स की क्लास नोट्स मिल जाएगी, जो बिल्कुल जो 1000-1500 रुपये के आसपास आते हैं, वो आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करना या फिर आप हार्ड कॉपी के हिसाब से देख सकते हैं। और इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर की क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर के साथ साथ आपको जो बुक्स 500-1000 रुपए की मार्केट से खरीदते हैं ना, वो आपको सब यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। तो बच्चे देर किस बात की, अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सब कुछ आपको प्रॉफिट हो सके। देखो भाई, जिस प्रकार तैरना पानी में आप तैरते हैं, उसी प्रकार उड़ना, आप उड़ते कहाँ पर भाई, तो उड़ते आप कहाँ पर हैं, वायु में आप उड़ते हैं, तो 122 का ए बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जिस प्रकार स्प्रिंग रिलेट टू स्पायरल, उसी प्रकार चूड़ी आखिर आपका किससे रिलेट करेगा, चूड़ी आपका आखिर किससे रिलेट करेगा, जो स्प्रिंग का शेप को बोलते हैं हम स्पायरल, मतलब स्प्रिंग के शेप को स्पायरल, यानी कि जब आप रजिस्टर में बाइंडिंग कराने जाते हैं तो भाई स्पायरल हम कराते हैं, मतलब चूड़ी को शेप का ऐसा ऐसा आपका कुछ पार्ट होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा स्पायरल होता है, स्प्रिंग के शेप के होता है, मतलब आपका स्प्रिंग, यानी कि मतलब आप वो मान सकते हैं क्या, स्प्रिंग मतलब जो आप स्प्रिंग उचकाने वाली स्प्रिंग आती है ना, स्प्रिंग के शेप ऐसा होता है, तो स्प्रिंग आपका स्पायरल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार चूड़ी स्प्रिंग को मोड़ दे तो स्पायरल हो जाता है, उसी प्रकार बच्चे चूड़ी आके किससे रिलेट करेगा, चूड़ी आखिर किससे रिलेट करेगा, जो आपका चूड़ी का शेप होता है, चूड़ी का शेप गोल होता है, तो गोल किसका शेप होता है भाई, ग्लास नहीं होगा। जिस प्रकार स्प्रिंग का शेप स्पायरल के शेप में होता है, उसी प्रकार चूड़ी का शेप आपका गोल्ड के शेप में होता है, नहीं होता, ऑर्नामेंट के शेप में नहीं होता, सर्कल के शेप में आपकी चूड़ी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विमान रिलेट कर रहा है पायलट, जिस प्रकार पायलट विमान चलाता है, उसी प्रकार जहाज कौन चलाता है, तो भाई जहाज आपका कैप्टन आपका जहाज चलाता है, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए कैप्टन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार कपास और कॉटन आपका सफ़ेद कलर का होता है, उसी प्रकार कोल आपका बच्चे CGL 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस प्रकार कॉटन का कलर होता है वाइट, उसी प्रकार कोल का कलर क्या होता है, तो कोल का कलर भाई ऑप्शन नंबर डी ब्लैक होता है। अगले क्वेश्चन देखिए भाई, जिस प्रकार काऊ रिलेट कर रहा है काफ, यानी कि हैन किससे रिलेट करेगा, यानी कि बच्चे जो काऊ के बच्चे को हम बोलते हैं काल्फ, ठीक है, उसी प्रकार काऊ गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, उसी बार मुर्गी के बच्चे को क्या बोलेंगे, मुर्गी के बच्चे को भाई क्या बोलेंगे, मुर्गी के बच्चे को अब चूजा बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए चूजा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए, जिस प्रकार पेंसिल रिलेट कर रहा है लेड से, पेंसिल रिलेट कर रहा है लेड से, उसी प्रकार पेन आपके आखिर किससे रिलेट करेगा, जैसे बच्चे जो पेंसिल जो लेड आपका पेंसिल में प्रयोग होती है, ठीक है, तो पेन में बच्चे आपका कौन सा चीज होगा, ठीक है, तो पेन में आपका देखो भाई गेंद तो होगी नहीं, राइट तो होगा नहीं, नीला तो होगा नहीं, इंक पेन में आपकी जिस प्रकार स्याही होगी, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पेन में स्याही होगी, जिस प्रकार लेड पेंसिल में लेड होती है, उसी प्रकार पेन में स्याही होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए, आइस रिलेट टू कोल्ड, उसी प्रकार स्टीम आपका आके किससे रिलेट करेगा, जिस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों बर्फ़ रिलेट कर रहा है कोल्ड से, मतलब बर्फ़ ठंडा होता है, उसी प्रकार भाप क्या होता है भाई, उसी प्रकार भाप क्या होता है, तो भाप आपका गर्म होता है, तो ऑप्शन में बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए, पेंच रिलेट कर रहा है आपका पेंचकस से,
जो पैंच होता है, जैसे आपका पैंच होता है भाई, ठीक है, पैंच आपका होता है वो पेंचकस, आपका पेंचकस से आप पैंच कसते हैं। उसी प्रकार कील, कील का आप, कील आप कैसे कसते हैं भाई, तो कील के लिए आप क्या, आप कील कस उपयोग करते हैं, या फिर पॉलिश, पॉलिश भी नहीं होगा भाई ना आपका, ये होगा ना स्टील होगा, तो कील आप हथौड़ा से ठोकते हैं। दीवार पे आपको कील ठोकना होता तो आप हथौड़ा का प्रयोग करते, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन है, नदी रिलेट कर रहा धारा से, जिस प्रकार नदी आपका रिलेट कर रहा धारा से, उसी प्रकार महासागर आके किससे रिलेट करेगा। जैसे ये बच्चे क्वेश्चन सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिस प्रकार नदी आपका, नदी आपका स्टीम से होती हैं, ठीक है, नदी आपका स्टीम से रिलेट करता है, उसी प्रकार महासागर आपका किससे रिलेट करेगा। महासागर बच्चे आपका रिलेट कर जाएगा, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे रिवर आपका रिलेट करेगा स्ट्रीम से, उसी का ओसीएम अच्छे आपका रिलेट कर जाएगा करंट से, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लाइन रिलेट, लाइन इज रिलेटेड टू लाइन, यानी कि शेर रिलेट कर रहा है शेरनी, लाइन यानी कि शेर यानी कि पुल्लिंग है, शेरनी यानी कि स्त्रीलिंग, यानी कि ये आपका मेल है ये फीमेल कैटेगरी। उसी प्रकार सांड का स्त्रीलिंग क्या होगा, सांड का मेल फीमेल क्या होगा, सांड मेल है ये फीमेल क्या होगा, तो भाई सांड का फीमेल क्या, गाय हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कार रिलेट कर रहा है स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील कार रिलेट कर रहा आपका स्टीयरिंग व्हील से, उसी प्रकार मोटरसाइकिल किससे रिलेट करेगा, जिस प्रकार जो स्टीयरिंग व्हील आपकी जो कार में उपयोग होती है, उसी प्रकार जो स्टीयरिंग व्हील होती है ना, स्टीयरिंग व्हील आपका स्टीयरिंग आप उपयोग करते हैं ताकि आप वो मोड़ सकें गाड़ी को, ठीक है, तो आप वो कार में प्रयोग करते हैं। उसी पर बच्चे आप मोटरसाइकिल में क्या उपयोग करते हैं, मतलब आप रोटेट करने के लिए, आप कोई दिशा चेंज करने के लिए आप कैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, हैंडल को क्या बोलते हैं, जैसे कार के हैंडल को बोलते हैं स्टीयरिंग बोलते हैं, उसी पर मोटरसाइकिल के हैंडल को क्या बोलते हैं, क्या टायर बोलते हैं, भाई टायर नहीं बोलते हैं, हेडलाइट नहीं बोलते हैं, इंजन नहीं बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, हैंडल बार, तो हैंडल बार उसको बोलते हैं, हैंडल का मोटरसाइकिल को हैंडल को बोलते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मैंने देर किए हुए, इन्फ्लुएंजा रिलेट कर रहा है वायरस से, जिस प्रकार इन्फ्लुएंजा रिलेट कर रहा है आपका विषाणु से, उसी प्रकार दाद आके किससे रिलेट करेगा, तो भाई दाद आके आपका किससे रिलेट करेगा, दाद आपका फंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाद बच्चे क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दाद एक फंगल इन्फेक्शन होता है, मतलब जो स्किन प्रॉब्लम होता है वो सब दाद में आती है कैटेगरी में। जिस प्रकार इन्फ्लुएंजा वायरस होता है रिलेट कर रहा वायरस से, उसी प्रकार जो दाद दाद होता है दाद फंगी के वजह से होता है। ठीक है भाई, दाद मतलब खुजली वगैरह हो जाती है आपको, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब दाद की कैटेगरी में आती है। ठीक है, CPU SI 2017 है बच्चे। अगर आप चाहते हैं आपको इसकी फ्री PDF मिल जाए, तो नीचे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके या आप डाउनलोड करके देख सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप इसको हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, पंखा रिलेट कर रहा है पंख से, फैन रिलेट कर रहा है ब्लेड से, ठीक है, पंखा रिलेट कर रहा है पंख से, उसी प्रकार ये किससे किससे सिमिलर होंगे, तो कौन सा केस बच्चे बनेंगे यहाँ पर, तो वो देखो, या फिर टोप रिलेट करेगा कार से, या फिर कमरा रिलेट करेगा घर से, या फिर आर्क रिलेट करेगा सर्कल से, मतलब सर्कल में जो आर्क होता है आर्क रिलेट करेगा सर्कल से, या फिर बुक रिलेट करेगा चैप्टर से, मतलब जिस प्रकार फैन में ब्लेड होती है उसी प्रकार बुक में बच्चे चैप्टर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये CPU SI 2017 बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मैंने देर किए हुए, अगला क्वेश्चन है देखिए, मुर्गा रिलेट कर रहा है मुर्गी से, जिस प्रकार मुर्गा रिलेट कर रहा है आपका मुर्गी से, उसी प्रकार मुर्गा है मेल, मुर्गी आपकी फीमेल, उसी पे बच्चे आपको मेल और फीमेल का निकालना है। जैसे खरगोश रिलेट करेगा बत्तख से, थोड़ी ना करेगा भाई, खरगोश और खरगोशनी का होगा संबंध, ये गलत है। बैल रिलेट करेगा हिरण से, ये भी गलत है। घोड़ा रिलेट करेगा घोड़ी से, ये बच्चे बिल्कुल सही है, घोड़ा मेल और घोड़ी फीमेल, ऑप्शन नंबर, मतलब जोड़ेवार पेयर वाला है क्वेश्चन ये, मुर्गा का पेयर मुर्गी, उसी पर घोड़ा का पेयर घोड़ी, तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ बच्चे, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका CPU SI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, ये भी आपका CPU SI 2017 में क्वेश्चन आया था, मेसन रिलेट कर रहा है प्लम लाइन से, यानी कि मेसन
जो आपका मेजोन है, मेजोन आपका प्लम लाइन से रिलेट कर रहा है, उसी प्रकार आखिर एक किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई, आखिर किससे रिलेट करेगा, उसी प्रकार जो आपका जिस प्रकार मेसन आपका प्लम लाइन में उपयोग होता है, उसी प्रकार आपका जो सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर ए, सर्जन का स्केलपल में उपयोग होता है, यानी कि चिकित्सक का प्रयोग होता है छुरी का में, ठीक है, चिकित्सक छुरी का प्रयोग करता है, सर्जन छुरी का प्रयोग करता है, ठीक है भाई, जिस प्रकार मेसन प्लम लाइन का उपयोग करता है, उसी प्रकार सर्जन छुरी का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, हम लोग बना देर किए हुए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो आपके सामने ये रहा। देखिए जिस प्रकार पत्तियां रिलेट कर रहा है सरसराहट से, मतलब लीव्स रिलेट कर रहे हैं रस्टल से सरसराहट, उसी प्रकार आखिर ये दो ये जिस प्रकार एक दूसरे के पेयर हैं, उसी प्रकार बच्चे इन दोनों ऑप्शन में आखिर चार में से कौन सा एक दूसरे का पेयर होगा, समझे बात आप अच्छे से, क्या बलसा झंझनाहट का पेयर होगा, बलसा में झंझनाहट थोड़ा होता भाई, ये भी बात गलत है, जिस प्रकार टायर और छनछनाहट ये बात भी गलत है, क्लाउड और थंडर यानी कि बादल गरजते हैं ना भाई, बादल गरजते हैं, तो भाई ऑप्शन नंबर 37 का सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लाउड रिलेट कर ठंडा से उसी प्रकार पत्तियाँ आपकी सरसराहटती हैं या आंधी वगैरह चलती है, उसी प्रकार बच्चे आपका बादल गरजते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ये CPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट रीजनिंग करा दूं, तो बच्चे आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, इस वीडियो कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सूरत की मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं, फ्री में आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन है हमारा शैवाल विज्ञान यानी कि शैवाल विज्ञान रिलेट कर रहा है शैवाल से एल्गी से, जिस प्रकार साइकोलॉजी रिलेट कर रहा है आपका एलगी से, उसी प्रकार बच्चे इन दोनों एक दूसरे के पेयर कैसे क्या बनेंगे, ठीक है, जिस प्रकार शैवाल विज्ञान का पेयर है आपका शैवाल, उसी प्रकार इन दोनों का कौन सा पेयर होगा, एक्टोमोलॉजी रिलेट करेगा एम्फीबियन से, ये बात भी गलत है भाई, बच्चे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हेमेटोलॉजी रिलेट करेगा ब्लड से, जिस प्रकार हेमेटोलॉजी रिलेट करेगा आपका ब्लड से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है पंजाब रिलेट कर रहा है भांगड़ा से, उसी प्रकार गुजरात में आके क्या होता है, जिस प्रकार बच्चे ये वाला आपका है नृत्य वाला, ठीक है, डांस फोल्क डांस वाला, जिस प्रकार बंगाल में पंजाब में आपका भाई भांगड़ा डांस होता है, उसी प्रकार गुजरात में आखिर आपका कौन सा डांस होता है, GS तो पढ़ी है ना आपने, GS पढ़ी है ना या नहीं पढ़ी है, आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया। बच्चे इसके लिए चार ऑप्शन दिए जाते हैं, बहुत ही फेमस डांस है गुजरात का, जो आप जानते हैं जैसे पंजाब में भांगड़ा होता है, उसी पर गुजरात में आपका भांगड़ा डांस होता है, भांगड़ा गरबा गुजरात में आपका गरबा डांस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पंजाब में बच्चे आपका होता है भांगड़ा डांस, उसी पर गुजरात में आपका होता है गरबा, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी हुआ आपका होता है बिहार में, ठीक है भाई, इस प्रकार बच्चे आपके डांस होते हैं, कथक आपका होता है कर्नाटका में, घूमर आपका होता है राजस्थान में, बच्चे आपके सब डांस हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से डांस होते हैं जो मैंने बता दिया आपको, तो गुजरात में बच्चे आपको गरबा डांस होता है, जिस प्रकार पंजाब भांगड़ा पंजाब में भांगड़ा होता है, उसी प्रकार गुजरात में गरबा आपका होता है, CPSI 2017 में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं JBCPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिस प्रकार बी रिलेट कर रहा है फेबल से, कमजोर इज रिलेटेड टू चीड, उसी प्रकार लाज आके किससे रिलेट करेगा, मतलब जो कमजोर रहता है उसको छीड़ बोलते हैं, ठीक है भाई, ये सिनोनियम से एक दूसरे के सिनोनियम से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सिनोनियम से कमजोर का सिनोनियम छीड़ होता है, उसी प्रकार विशाल का सिनोनियम्स क्या होता है, मतलब विशाल का पर्यायवाची क्या होता है, क्या स्ट्रांग होता है, नहीं होता है, स्ट्रांग अलग है भाई, लाज अलग है, ये गलत बात है, क्या इनसिग्निफिकेंट लघु होता है, लघु भी नहीं होगा भाई, क्या विराट होता है विशाल, लाज मतलब विशाल, विशाल यानी कि विराट रूप बोल सकते, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, या फिर टैनी बहुत छोटा नहीं होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, फिर से आप सुनिए ऑप्शन नंबर सी बच्चे आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बना दे रखी हुई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए
स्मोक रिलेट कर रहा पॉपुलेशन से, उसी पे का फायर आके किससे रिलेट करेगा, जिस पे का धुआं प्रदूषण कर रहा है, मतलब धुआं से होता है आपका प्रदूषण, धुआं से पॉल्यूशन। बच्चे यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, पॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर पॉल्यूशन है। जिस पे का स्मोक धुआं प्रदूषण करता है उसी पे का आग का काम क्या होता है, आग क्या करता है भाई, आग क्या करता है, जिस पे का धुआं पॉल्यूशन करता है उसी पे का आग क्या मृत्यु करता है, गलत बात है। क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता, ये बात भी गलत है। क्या राख देता है, बिल्कुल सही बात है, राख देता है, आग से आपको राख मिलती है बाद में। क्या ठंडा देता है, ठंडा पे तो बिल्कुल ही नहीं देता है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर लगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए। बच्चे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, गुरुकुल प्लस को, और बगल में बेल आइकन जरूर दबा लेना, सो डैट कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना आपसे हो सके। बच्चे काफ़ी से बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछे, सर आप वीडियो तो बहुत अच्छी डालते हैं लेकिन मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा लेकिन वहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मैं उन प्यारे बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा लेकिन आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, सो डैट कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर भी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भाई। और नीचे मैंने एक बच्चे व्हाट्सएप आपको नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, या आपको कोई वीडियो चाहिए हो मैथ की, जीएस की, किसी की भी वीडियो चाहिए हो जो आपको नहीं आ रहा समझ में, तो उस पर आप कमेंट कर दें, मतलब उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो उस पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलो ये बिना देर किए हुए आपको 142 क्वेश्चन पर चलते हैं। 142 क्वेश्चन क्या बोलता है, जिस पे का प्लेयर आपकी टीम में होते हैं, खिलाड़ी आपके टीम के मेंबर होते हैं, उसी पे का इनमें से आके इन दोनों की कौन सी क्या ग्रुप बनेंगे, क्या कार ग्रुप में होती है, समूह में होती है, बात बिल्कुल गलत है भाई। क्या सिर्फ जहाज बेड़ा पे होते हैं, जिप सिर्फ रिलेट टू फ्लीट होगा क्या, या फिर विमान रिलेट टू उड़ान, ये बात भी गलत है भाई। तो पेन रिलेट टू डेरा, ये बात भी गलत है। जिस पे का बच्चे प्लेयर टीम में होते हैं उसी पे का सिर्फ फ्लीट में होती है, तो बेड़ा में होती है, तो जहाज का समूह को हम बेड़ा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। CPOSI 2017 बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी आपका SSC CPOSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भाई, जिस पे का कार रोड पर चलती है तो रेल आपकी भाई कहाँ चलेगी, रेल आपकी कहाँ चलेगी, पटरियों पर चलेगी, तो पटरी आपकी आंसर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका पटरी आंसर हो जाएगा। बच्चे अब तो आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करने लगे होंगे। देखो अभी तक हमने 142 क्वेश्चन कर लिया, आई होप कि बच्चे आपने 142 में से लगभग 130 प्लस क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए होंगे। बच्चे अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताएं कितना क्या आपका स्कोर आ रहा है, कितने क्वेश्चन सही है। जैसे कि अब मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ बच्चे कि मैं MCQ के माध्यम से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। आपको वीडियो देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेना है और रजिस्टर लेना है, उसमें एक रजिस्टर लेना है, पेन लेना है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं, और मतलब जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आपका ऑप्शन है आपको ऑप्शन लिखना है। अगर सही है तो आप ऐसा निशान लगाए, तो गलत है तो ऐसा निशान लगाओ, लास्ट में अपना पूरा चेक कर सकते हैं इसको। या फिर बच्चे आप कमेंट, आप कॉपी और पेन नहीं उठा पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर हाल फिलहाल देते जाइए, इससे बच्चे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कोई भी टेस्ट देने में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बच्चे अगर आप अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आपको बच्चे घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर गुरुकुल प्लस आपको फैमिली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहा है। यहाँ तक कि बच्चे आपको टेस्ट सी लगाने की जरूरत नहीं, आपको टेस्ट सी से अच्छा कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे आप बस ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, SSC CGL CPU कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बच्चे यहाँ पर पेड का आपको सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा है, पेड से अच्छे ही कंटेंट, तो बच्चे पेड में नहीं, पेड से अच्छे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, ठीक है भाई। जिस पे का कार मैंने आपको ये बता दिया था, अगला क्वेश्चन में चलते हैं भाई। देखो भाई, लाइट ल्यूमन प्रकाश, ल्यूमन जिस पे का लाइट रिलेट कर रहा है ल्यूमन से, उसी पे का बच्चे इन दोनों के आके कौन से जोड़े होंगे, ठीक है भाई। ये बच्चे जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, ल्यूमन एक लाइट की यूनिट होती है, ल्यूमन यूनिट होती है लाइट की, उसी पे का बच्चे इन दोनों चारों में से कौन सी एक दूसरे की यूनिट होगी, ठीक है भाई, कौन एक दूसरे की यूनिट होगी। तो बच्चे जैसा कि आप जानते हैं, टेम्परेचर की यूनिट कैडिला होती है, नहीं होती है भाई। डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम, नहीं होती है। प्रेशर की यूनिट भाई पास्कल, जरूर होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, तो भाई ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। पर्सन रिलेट कर रहा है बायोग्राफी से, जिस प्रकार व्यक्ति की जीवनी होती है, जैसे कि आपने APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी होगी, महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी होगी, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की आपने जीवनी पढ़ी होगी, उसी प्रकार बच्चे और ये चार ऑप्शन में से कौन किससे रिलेट करेगा, ठीक है ना भाई,
ठीक है। आई होप बच्चे आपको इसका सही आंसर आ गया हो। जिस प्रकार व्यक्ति की जीवनी होती है उसी प्रकार विश्व की विश्वकोश होता है, बिल्कुल गलत बात है भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है। नेशन हिस्ट्री राष्ट्र का इतिहास होता है। जिस प्रकार व्यक्ति की जीवनी होती है बच्चे, जो जीवनी होती है वो आपका इतिहास की बात होती है, ठीक है। मतलब जीवनी यानी कि हिस्ट्री की बात करते हैं, मतलब आप ऐसा तो है नहीं भाई कि मतलब जो जीवित इंसान हो उनकी जीवनी बना दो, जो मर जाते हैं उन लोगों की जीवनी बनाते हैं। उसी पे बच्चे राष्ट्र की कोई ना कोई इतिहास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखिए रामानुजम है रिलेट कर रहा है मैथमेटिशियन। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामानुजम जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो उन्हें रामानुजम, ठीक है, बहुत फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे रामानुजम जो मैथ के थे। उसी प्रकार सुश्रुत किससे रिलेट करते हैं, ठीक है भाई। जिस प्रकार सुश्रुत किससे रिलेट करते हैं, सुश्रुत आपके बच्चे, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुश्रुत आपके फिजिशियन से मतलब, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, चिकित्सक श्रुटियन से रिलेट करते हैं, यानी सुश्रुत आपके एक चिकित्सक हुआ करते थे। जिस प्रकार रामानुजन मेडिसियन हुआ करते थे, उसी प्रकार बच्चे आपके सुश्रुत आपके चिकित्सक हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बच्चे CPSI 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका CPSI 2017 में पूछा गया है। जिस प्रकार टेलर रिलेट कर रहा है नेडल से, जिस प्रकार टेलर जो होता है, जो आपका दर्जी पूरा सुई से काम करता है, कपड़े आपके सब सुई से सिलता है ना भाई, सुई से करता है। उसी प्रकार वुड कटर यानी कि लकड़हारा कैसे क्या काम करता है, ठीक है। लकड़हारा मतलब कौन सा हथियार का उपयोग करता है, जिस प्रकार टेलर का हथियार होता है सुई, उसी प्रकार लकड़हारा का मतलब क्या होता है, लकड़हारा का हथियार कौन सा होता है। तो भाई लकड़हारा का हथियार होता है आपका कुल्हाड़ी, ठीक है भाई। लकड़हारा मतलब क्या होता है भाई, जो लकड़ी काटता है, ठीक है, पेड़ काटता है वो लकड़ी काटता है, उसको हम बोलते हैं वुड कटर यानी कि लकड़हारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन हमारा कैंची रिलेट कर रहा है कपड़ा से। उसी प्रकार कुल्हाड़ी आपका आखिर किससे रिलेट करेगा, जिस प्रकार कैंची से आप कपड़ा काटते हैं, उसी प्रकार कुल्हाड़ी से बच्चे आप क्या काटते हैं। बच्चे CGL 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जिस प्रकार बच्चे आप कैंची से आप कपड़ा काटते हैं, उसी प्रकार कुल्हाड़ी से बच्चे आप क्या काटते हैं, कुल्हाड़ी से आप क्या स्टोन काटते हैं, ये बात गलत है, क्या लकड़ी काटते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कुल्हाड़ी से आप लकड़ी काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो भाई द्रव्यमान रिलेट कर रहा है किलोग्राम से। उसी पे का मात्रा आके किससे रिलेट करेगा, मास रिलेट कर रहा है किलोग्राम से, उसी पे का भाई वॉल्यूम आके किससे रिलेट करेगा। बच्चे इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिया था, इसके साथ आपको 5 सेकंड टाइम दिया था, इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी फटाफट से अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। बच्चे आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया हो। देखिए भाई जो किलोग्राम होती है, जो किलोग्राम होता है मास की एक यूनिट होती है, ठीक है भाई, किलोग्राम एक मास की यूनिट होती है, ठीक है। उसी प्रकार वॉल्यूम की यूनिट कौन सी होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। वॉल्यूम आप लीटर से मापते हैं, मतलब जैसे दूध आता है आपका वॉल्यूम के, मतलब वॉल्यूम को आप मापने के लिए लीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है भाई। वॉल्यूम आपकी लीटर एक यूनिट होती है, वॉल्यूम जैसे कि मास किलोग्राम की यूनिट होती है, उसी प्रकार वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नर लोमड़ी रिलेट कर रहा है मादा लोमड़ी, मतलब नर यानी कि नर फॉक्स यानी कि मतलब फीमेल रिलेट कर रहा है मादा यानी कि बाइक बिक्सन, ठीक है भाई, ठीक है ना भाई। तो मतलब ये यहाँ पर बच्चे जोड़े वाली बात हो जाए, मतलब पहले फीमेल फिर मेल, पहले फीमेल फिर मेल, मतलब जोड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जोड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो देखो भाई जिस प्रकार नर लोमड़ी रिलेट कर रही है मादा लोमड़ी से, उसी प्रकार क्या बटर तितली रिलेट करेगी इल्ली से, बिल्कुल बात गलत, तितली अलग होती है, इल्ली अलग होती है भाई। क्या हिरन हिरनी से रिलेट करेगा भाई, पहले यहाँ पर आपका फीमेल दिया गया तो यहाँ पर मेल दिया गया, यहाँ फीमेल, तो ये भी गलत है आपका। क्या बछड़ा घोड़ा से रिलेट करेगा भाई, बछड़ा गाय का बछड़ा होता है, घोड़ा अलग होता है, ये बात भी गलत है। क्या मादा मधुमक्खी नर मधुमक्खी से रिलेट करेगी, तो भाई ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लीजिए, मादा मधुमक्खी आपका नर मधुमक्खी से करेगी, ठीक है। बी रिलेट करेगा आपके ड्रोन से, ठीक है।
ऑप्शन में डी आपका सही हो जाएगा। ये फीमेल है आपकी, एक मेल है ये। आयु के बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक रिलेट कर रहा पृष्ठ यानी कि जिस पे का बुक आपका रिलेट कर रहा पेज, जो नंबर ऑफ पेज होते हैं तो वो बन जाती है पुस्तक, नंबर ऑफ पेज मिलके बन जाती है पुस्तक। उसी पे का लेटर यानी कि सीडी, सीडी आखिर किससे मिलके बनेगी, सीडी आखिर किससे मिलके बनेगी, तो जो जिस प्रकार बच्चे सुनिए आप बात को, ये बात जिस प्रकार बुक्स में पन्ने होते हैं उसी पे लेटर में कदम होते हैं, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दूरबीन रिलेट कर रहा है दर्शन से, जिस प्रकार बायनोकुलर रिलेट कर रहा है व्यू से यानी कि दूरबीन से आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। मतलब जो दूर का ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं दूरबीन की मदद से, उसी प्रकार बच्चे आप इन दोनों में से आकर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यानी कि कल्चर रिलेट कर रहा निकालन से, सुनिए आवाज को, तो बच्चे इसका ऑप्शन ये आपका आंसर होगा सोबल रिलेट करेगा स्कूप से, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए आप, देखिए किसान रिलेट कर रहा खेत से, जिस प्रकार किसान रिलेट करेगा खेत से उसी प्रकार चित्रकार आके किससे रिलेट करेगा, जिस प्रकार जो किसान का काम होता है खेत में, किसान खेती करता है उसी प्रकार खेत में रहता है, उसी प्रकार चित्रकार जो होता है, चित्रकार भाई कहाँ रहता है, चित्रकार आपका चित्रशाला में होता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका चित्रशाला आंसर हो जाएगा। पेंटर आपका गैलरी में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये आंसर आपका हो जाएगा। सीपीयू का सही 2017 में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संडे के संडे रिलेट कर रहा है थर्सडे से, उसी का वेडनेसडे आके किससे रिलेट करेगा, ठीक है भाई। देखो मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, देखो जो संडे है, संडे के बाद जिस प्रकार आपका आ रहा है थर्सडे, ठीक है, संडे के बाद आता है मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे यानी प्लस फोर, संडे प्लस फोर होता है आपका थर्सडे, संडे प्लस फोर यानी थर्सडे हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चे वेडनेसडे प्लस फोर कर दो, वेडनेसडे में चार जोड़ दो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो बच्चे संडे आपका आंसर हो जाएगा, संडे आपका एक दो तीन चार, तो ऑप्शन नंबर ए संडे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आयु के बच्चे आपको समझ में आ गया हो क्या, आपको कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, आपको सब चीज़ें समझ में तो आ रही है ना, कोई तकलीफ हो तो बताना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। जिस प्रकार बच्चे व्यवसायी रिलेट कर रहा है लाभ से, जो बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट कमाता है, उसी प्रकार इन दो एक दूसरे से किससे रिलेट है, इन चार ऑप्शन में, इन चार में से आके कौन किससे रिलेशन दे रहा है, क्या डॉक्टर पेशेंट से रिलेट कर रहा है, वर्कर रिलेट कर रहा है बेस से, कर्मचारी वेतन से रिलेट कर रहा है, तो बच्चे कर्मचारी वेतन, कर्मचारी वेतन कमाता है, ठीक है, वेतन के लिए लगा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर व्यवसाय का मकसद होता है लाभ कमाना, ठीक है, चिकित्सक का मतलब मरीज, यहाँ पैसे की बात चली तो यहाँ पर बच्चे पहला मतलब कोई ऑप्शन है नहीं है। दूसरा ऑप्शन वर्कर रिलेट कर रहा है बेस से, इस पर कर्मचारी का मतलब होता है, मकसद होता है वेतन, वेतन अपना भुगतान प्राप्त करना, ये वाला ठीक लग रहा है मुझे। जिस पर प्लस का मकसद होता है अपराधी, यहाँ बच्चे पैसे की बात चल रही, तो कर्मचारी का मकसद होता है वेतन प्राप्त करना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए, मैथमेटिशियन रिलेट कर रहा नंबर से, मैथमेटिक्स में बच्चे आपका जिस प्रकार मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार के नंबर आपके होते हैं, गणित में अंक होते हैं, गणित आपका अंक से रिलेट कर रहा है, उसी प्रकार बच्चे इन दोनों में से आके कौन सा पेयर लगेगा, जिस प्रकार गणित में नंबर होते हैं उसी प्रकार जियोलॉजी में का केमिकल्स होते हैं, बिल्कुल गलत बात है भाई, भूगोल और रसायन अलग अलग है, ठीक है ना भाई, क्या आपको कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको, क्या केमिस्ट्री और लॉ मोशन है, केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री अलग है और फिजिक्स अलग है, बच्चे ये बात भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। क्या हिस्ट्री में इवेंट है, इतिहास में घटना है, बिल्कुल सही बात है, घटनाएं इतिहास में हुई हैं, मुगल साम्राज्य और आपकी तरह तरह की घटनाएं इतिहास में हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है मुझे। या फिर अर्थशास्त्र में तिथियाँ हैं, बिल्कुल गलत बात है, तो तिथियाँ तो भैया आपकी इतिहास में हुआ करती है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हिस्ट्री में इतिहास है, इतिहास में आपकी घटनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पेन रिलेट कर रहा राइट्स को, जिस प्रकार कलम से आप लिखना, कलम से आप लिखते हैं उसी प्रकार बच्चे आप क्या करते हैं, कलम से आप लिख रहे हैं, क्या आप इससे रबर मिटाते हैं रबर से हैं आप,
ये बात गलत है। कप से आप लिक्विड करते हैं, ये बात गलत है। पेंसिल से लकड़ी, ये बात पेंसिल लेट लकड़ी से करेगा, ये बात भी गलत है। क्या चाकू लेट करेगा काटना है? जिस प्रकार आप कलम से लिखते हैं उसी प्रकार चाकू से आप काटते हैं। बस ऐसी आपको बात करना है, आपको मतलब बच्चे बिल्कुल सिमिलर वर्ड देखना है, अगर सिमिलर हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कुल मिला के जैसा आपका यहाँ पर अर्थ लिख ले वैसे ही आपको यहाँ पर अर्थ निकालना है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? बनाना रिलेट कर रहा तोड़ना से, मतलब बच्चे एंटोनियम है, मतलब एंटोनियम यानी कि अपोजिट है। बनाना यानी कि तोड़ना, मतलब कोई आदमी बना रहा है फिर उसको कोई तोड़ रहा है, बनाने के बाद तोड़ रहा है उसी का बच्चे यहाँ पर अपोजिट आपको देखना है। चारों ऑप्शन में अपोजिट देखना है कि कौन सा अपोजिट होगा। अब तो आप सेकंड में बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे होंगे, क्वेश्चन आप आंसर निकालने लगे होंगे। जिस पे का बच्चे बनाना का उल्टा होता है तोड़ना, उसी पे का पतला का छोटा, पतला का छोटा होता है भाई, ये बात तो गलत है। लंबा का छोटा, लंबा का छोटा है तो मैं मान भी सकता हूँ, लंबा का छोटा मान लो। मोटा का बड़ा, ये बात भी गलत है। लंबा का छप से ऊपर, ये बात भी गलत है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, लॉन्ग का शॉर्ट अपोजिट होता है, लंबा और फिर छोटा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लो, आपका सही आंसर है। अगला है भालू रिलेट कर रहा आपका जानवर से, भालू रिलेट कर रहा है जानवर से। भालू आपका जानवर की कैटेगरी में आता है, उसी प्रकार बच्चे आपको तलवार आके किसकी कैटेगरी में आता है? जिस प्रकार भालू आपकी जानवर की कैटेगरी में आता है उसी प्रकार बच्चे तलवार आके किसकी कैटेगरी में आता है? पहला ऑप्शन काटना ही कैटेगरी में आता है, भाई काटना ही कैटेगरी बिल्कुल नहीं। धारदार सार की कैटेगरी में आता है, ये भी बिल्कुल नहीं। सस्त की कैटेगरी में बच्चे जरूर आता है, ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लिए, ऑप्शन नंबर सी बेपन, बेपन आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका तलवार सस्त की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 160 वाला क्वेश्चन, जिस प्रकार घड़ी रिलेट कर रहा है सुई से। घड़ी में बच्चे आपकी सुई होती है, उसी प्रकार कमरे में आपका घर होता है क्या? पुस्तक में पन्ने होते हैं या फिर विद्यार्थी विद्यालय में होता है? बच्चे ये वाले क्वेश्चन में आपको कईयों बार करा चुका हूँ, घुमा फिरा के बात आ रही है। जिस प्रकार घड़ी में सुई होती है उसी प्रकार बच्चे पुस्तक में पन्ने होते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों पुस्तक में पन्ने होते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिस प्रकार घड़ी में सुई होती है उसी प्रकार बुक में पेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका CPSI 2017 में प्यारे दोस्तों पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए, जिस प्रकार छोटा रिलेट कर रहा है विस्तार से। छोटा लेट कर रहा है विस्तार, इसका आंसर बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, इसका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके लिए होमवर्क में एक सवाल दिया जाता है, ठीक है, जिस प्रकार छोटा विस्तार से लेट कर रहा है उस प्रकार आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बच्चे आप दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा बच्चे पार्ट वन कम्प्लीट हो गया है, ठीक है, पार्ट वन कम्प्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपसे 161 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगले अब मैं आपसे पार्ट टू डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे या SSC या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको हर एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन की बुक मार्केट से या फिर PDF ऑनलाइन ख़रीदनी पड़ती है, तो दोस्तों आपकी इस समस्या का बहुत ही तगड़ा सलूशन हम लोग आप लोगों के लेकर आए हैं। साथियों, गुरुकुल प्लस परिवार आपके लिए लाया है 50,000 रुपये से भी अधिक मूल्य की हज़ारों PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो आपको एक रुपये भी पे नहीं करना, सब कुछ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, हज़ारों PDF दिखाना तो आपको पॉसिबल नहीं है, ऐसा कि आप जानते हैं, लेकिन हम आपको कुछ PDF सैंपल के रूप में दोस्तों दिखा रहे हैं ताकि आप सारी PDF ईजिली बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकें। साथियों, जिन मेरे प्यारे दोस्तों का RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो उन मेरे प्यारे दोस्तों को बताना चाहता हूं, देखिए आपने अभी तक रीजनिंग की और मैथ की एक बुक नहीं की तो ये जरूर करके जाइएगा, इससे सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। NTPC में दोस्तों आपके यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, इसकी फ्री PDF मैंने डाल रखी है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, कुछ जो ट्रेंडिंग बुक हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि आप देख सकते हैं। और साथियों, जो RRB 2020 जो आपकी 7225 MCQ वाली बुक है GS की, ये भी आप जरूर करके जाइए, इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, RRB ग्रुप डी में आपका साइंस से इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। और RRB 2020 का ये वाला बुक है अपना 3100 MCQ वाली बुक की, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथियों,
आर एस अग्रवाल हुआ, आपका SSC करण पब्लिकेशन 10,500 प्लस वाली बुक हुई, और आपकी SSC GS 12,000 प्लस वाली बुक जैसे, और SSC की जो आपकी किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक की मैं PDF डाल रखी है टेलीग्राम पर, और अपना आर एस अग्रवाल भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और इसके अलावा साथियों जो वॉल्यूम 1 है, जो कि अगर आप SSC CHSL और CGL का पेपर देने जा रहे हैं मई में, तो आपके लिए वरदान साबित है इंग्लिश के लिए, ठीक है दोस्तों। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है भाई। और साथियों सादा पब्लिकेशन की बुक भी आपको मिल जाएगी, अगर आप UP पुलिस वगैरह की UPSI की तैयारी कर रहे हैं, और भी आप लेखपाल वगैरह की भी आगामी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए SD यादव की बुक बेस्ट बुक मानी जाती है, ठीक है भाई। और इन सारी PDF दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री में हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। इसको आप जल्दी से जल्दी फटाफट डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, देर किस बात की है, आज ही आप अपने परिवार गुरुकुल प्लस के टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, सूरत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, ठीक है भाई।